Hi friends, good morning. Good morning everyone. आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो आज पहली बार प्रोग्राम में आए हैं और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वेलकम। और आज जैसे हम जानते हैं, आज का प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन, जिसमें नए गेस्ट के लिए प्रेजेंटेशन है। और अच्छी बात यह है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पास आज अलग अलग ब्रांच लॉयन हैं, मुकेश शर्मा जी, योगराज जी सिल्वर लॉयन और शेखर बुरा ब्रांच लॉयन। तो तीनों लोग आपको अपनी जानकारी, अपने नॉलेज के हिसाब से बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। और शुरुआत जो हम करेंगे आज, वो करेंगे हमारे आज के जो स्पीकर हैं हमारे बीच में, मिस्टर मुकेश शर्मा जी, जो अपने बारे में बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि किसी भी अपॉर्चुनिटी में जब हम काम करते हैं और ख़ास तौर से हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो किसी भी कंपनी का प्रोफाइल होना, अच्छा प्रोफाइल होना क्यों ज़रूरी है। और उससे भी पहले कि आज की डेट में क्या हालात हैं मार्केट के, दुनिया के, लोगों को क्यों अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्यों लोग मौका ढूंढ रहे हैं, तो इन सब को बताने के लिए हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी हैं, जो कि एक सीनियर लीडर हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि जो इनके पास एक्सपीरियंस है, आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप ध्यान रखिए कि आपकी बहुत सारे मन में जो डाउट होंगे या क्वेश्चन होंगे, उसका जवाब भी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ मिलेगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा। और फिर भी लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका यहाँ पर जवाब नहीं मिलता आपको, तो जिस शख्स ने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोग्राम के लिए, आप उससे ज़रूर बातचीत कीजिए। और वहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं और बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हर रोज़ का ये प्रोग्राम है, कभी हमारी मीटिंग होती है, कभी हमारी ट्रेनिंग होती है, और लोग अपनी सुविधा अनुसार इस प्रोग्राम का फ़ायदा अपना उठा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से भी कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो अगली जो आवाज़ है वह हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर मुकेश शर्मा जी, जो कि यहाँ पर ब्रांच लॉयन भी हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के रॉयल्टी में आ चुके हैं यंग इंटरनेशनल के। तो प्लीज़ जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर मुकेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज़ आ रही है प्रॉपर मेरी? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर। गुड मॉर्निंग आवर लीडर्स एंड गेस्ट, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैंने इस कंपनी को जुलाई 2017 में ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था। 20 साल मैंने टीचिंग की जॉब की और साथ साथ नेटवर्किंग भी करता रहा, पर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जॉब क्विट करके इसको फुल टाइम करूँ। ध्यानस मैंने जुलाई 2017 में ज्वाइन की थी और सिर्फ 3-4 महीने मैंने इसको पार्ट टाइम करने के बाद जॉब क्विट करके मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। और आज इसमें जो मेरी अचीवमेंट है, 20 साल के अगर मैं टीचिंग को कंपेयर करूँ और 3 साल के ध्यान के पीरियड को कंपेयर करूँ, तो ये मेरा गोल्डन ईरा है सर, पूरे मेरे कैरियर का 22-23 साल का। मतलब 20 साल में सिर्फ मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी की, सैलरी आती थी 10 तारीख को, 5 दिन में ख़त्म हो जाती थी, अगले 15 दिन सैलरी का वेट करते थे। और यहाँ ध्यान में ऐसा है सर, मतलब 3 बार पैसा आता, पैसा ख़त्म नहीं होता, उससे पहले मैसेज आता है इतना अमाउंट और क्रेडिट, मतलब कभी सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ से सर मैंने लगभग 7 इंटरनेशनल टूर लिए हैं, रॉयल्टी को एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कार फंड अचीव कर चुका हूँ। और बहुत सपने हैं सर पूरे, अगले 1 साल में गोल्ड लाइन बनना है और वर्ल्ड की रॉयल्टी बच्चों के नाम करके जाने की, उनको कभी सोचना ना पड़े जिंदगी के हमें क्या करना है। तो ये मेरे छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर, और बाकी मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, हालात के बारे में मुकेश जी जानना चाहते हैं हम कि आज की डेट में इस बिजनेस के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ऐसी क्या शक्ति है कि आने वाले टाइम में इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत लोगों को भी है, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है अपनी लाइफ को बदलने का।
क्योंकि पूरी दुनिया इस काम को करने वाली है आने वाले टाइम में। सब तो नहीं करेंगे लेकिन करोड़ों लोगों ने करना है और उन लोगों की वजह से आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है जी। सर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो अगले 5 साल में गोल्डन पीरियड, जो एक मतलब डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड आने वाला है 2020 से 2025 के बीच में, और दूसरा गवर्नमेंट्स की जॉब जितनी कम हो रही है, लोगों की जॉब आप कोरोना के कारण भी इतनी गई है लाखों लोगों की जॉब, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बिजनेस में भी। आज किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करिए वो कंफर्टेबल नहीं है, लॉसेस में चल रहा है। किसी जॉब करने वाले से बात करिए उसको पूरी सैलरी नहीं मिल रही है या जॉब उनकी जा रही है, मतलब कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। अब दूसरा बात आ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आप कंपनी कौन से चूज करते हो, कि कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान देख के अगर आप अच्छी कंपनी में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मतलब तीन से पांच साल का पीरियड है वो आप मेहनत करिए, सारी जिंदगी आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपकी बात में दम है कि आज की जगह हालात और मार्केट, और दूसरी बात है एक्सेप्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की जो एक्सेप्टेंस है वो इस टाइम हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त बन चुकी है। आप सभी लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना 17% का मार्केट शेयर है इस दुनिया में, और इंडिया का सिर्फ 1% के आसपास है। तो हम काफी पीछे हैं लेकिन हमारा 15वां स्थान है दुनिया में। तो ये एक इशारा है कि 15वां स्थान अगर हमारा है तो इसका मतलब बहुत सारी चांसेस हैं इंडिया वालों के। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ सर, आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर कीजिएगा जो भी आपकी फीलिंग्स हैं और स्टोरी है। ये मैं खुद ही बता देता हूँ अपने बारे में कि मैं इस बिजनेस में, मेरा 18वां साल है ये 18th year, 47 इंटरनेशनल टूर, और आज इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम और एक अमेजिंग लाइफस्टाइल इस बिजनेस ने मुझे दी है, और फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी एक आम आदमी था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो कुछ नहीं था, मैं सोचता था जिंदगी में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब नौकरी करने लगा तो पता लग गया कि कुछ नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा, और उसका भी पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में एकदम सारे सपने जाग गए, लगा कि हाँ चमत्कार तो हो सकता है, क्योंकि मेरे से पहले लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी इस इंडस्ट्री से। तो मैंने देखा जिस जगह पर लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं आम लोग, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। तो दोस्तों शुरू से ही एक ऐसी शक्ति पैदा हो गई, एक ऐसा रिवॉर्ड नजर आया, एक ऐसा लाइफ नजर आई, ऐसी जिंदगी बन सकती है क्योंकि मैंने आम लोगों की जिंदगी बदलते देखी। मैंने देखा कईयों हाउस वाइफ बड़ी कामयाब हैं, कईयों स्टूडेंट कामयाब हैं, कईयों रिटायर्ड लोग कामयाब हैं, तो मैं तो फिर हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं, है ना। तो ये फैक्टर था एक जिसकी वजह से मैं बिजनेस इंडस्ट्री में अट्रैक्ट हुआ, और मुझे अपना विजन नजर आया कि यहाँ से जिंदगी बदल सकती है कंप्लीट। तो मैं एक ही सलाह दूंगा आम लोगों के लिए जो जिंदगी में कभी सपने नहीं देखते हैं या सपने देखने के बाद उनको डर लगता है कि शायद ही कभी पूरे होंगे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जिंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं, उन सपनों को, उन टारगेट को, उन ख्वाहिशों को पूरी भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से परेशान हैं, नौकरी से आजादी चाहते हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई काम धंधा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। कुछ लोग हैं जो बहुत जबरदस्त कर्जे में हैं, मुक्त होने का चांसेस नजर नहीं आ रहा है। तो इस काम से बहुत जल्दी आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं और जो भी आपके सपने हैं उनको भी पूरा कर सकते हो आप यहाँ से, जबकि नॉर्मल जॉब में पॉसिबल नहीं है और बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। इसलिए इंडस्ट्री आई है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदला है पिछले कई सालों में, और ये पिछले साल का एक डाटा है, 13.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पिछले साल की सेल। सोचो आप पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, तो जबरदस्त इंडस्ट्री है।
आम आदमी भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, उनको पता पूरा करने की सोच रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपको कि वो समय आ गया, वो वक्त आ गया कि आज आम आदमी भी अपनी जिंदगी को जो 40 साल में नहीं बदलती थी वो अगले 4 साल में जिंदगी बदल सकती है। तो या 40 साल वही काम करते रहो जिस काम को करके ज्यादातर लोग ऐसे खत्म हो गए बिना सपने पूरे किए हुए, या अगले 3-4 साल दिल से मेहनत करो, शिद्दत के साथ मेहनत करो और जिंदगी को चेंज करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है और पूरी दुनिया में इसके जय जयकार हो रही है। तो दोस्तों अब बताएंगे मुकेश जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 P होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, 4 P, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी, पे आउट ऑफ द कंपनी, ये 4 P हैं। अगर ये 4 P स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका यहाँ बहुत ही शानदार करियर बन सकता है। तो कभी भी गलती से भी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सोच के मत कूद जाना जिंदगी में। जब तक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, पे आउट सही नहीं है, तो ऐसी कंपनी में कभी जुड़ना मत। तो मैं चाहूंगा मुकेश जी आगे की चीजें बताएंगे इस प्रेजेंटेशन के बारे में। जी सर, मैं अब चार क्या वैल्यू है? जी सर, 4 P की वैल्यू मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा सर, क्योंकि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तभी स्टार्ट की जब लगभग आपने स्टार्ट की थी, पर आपने 4 P अच्छे देख के स्टार्ट किए तो आज आप सक्सेसफुल हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेनियर लाइफस्टाइल जी रहे हैं सर। पर मैंने क्या किया, मैंने शुरू से ही मेरा सपना था सर, मैंने जॉब तो की पर जॉब कभी मेरा सपना नहीं रहा। मेरा डायरेक्ट सेलिंग पहला प्यार था कि मेरे को पहले दिन से पता था जितने 20 साल जॉब की है कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ही करनी। पर कभी भी मैंने कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया, कभी प्रोफाइल के बारे में ध्यान नहीं दिया। कोई भी कंपनी आई, मैंने मेहनत की बहुत की, बहुत टीमें बनाई, पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ इन 4 P के कारण। तो मैं जितने भी गेस्ट हैं और जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर ये 4 P अगर किसी कंपनी के सॉलिड है तो आपको कंपनी करनी चाहिए और उससे आपको सुनहरा भविष्य मिल सकता है। तो सबसे पहला जो P है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, दूसरा P है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट मतलब सिर्फ आपको एंटर कराने के नाम के लिए नहीं होने चाहिए, उनके वैल्यू होनी चाहिए, उनमें रिजल्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला P है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी 1995 से काम कर रही है सर, और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये 1037 एकड़ में फैला हुआ है। और इस हेडक्वार्टर को सर मैं पर्सनली देख चुका हूँ, पर्सनली फील कर चुका हूँ, मैं 1 वीक यहाँ रह के आया हूँ। जब एक एक चीज मतलब ये लगा लिया, अगर पूरा हेडक्वार्टर आपको घूमना है तो 16 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी सर। और जब हम चाइना गए थे और जब इसके हेडक्वार्टर पर जब हमारी बस रुकी थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर, बिल्कुल पर्सनल पक्की बात है ये कि हमारी जो कहते हैं स्किन के जो रोए खड़े हो जाते हैं ना हेडक्वार्टर देख के। हम जब से ज्वाइन किए थे सुनते आ रहे थे इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, R&D सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और वो चीज़ हमारी आंखों के सामने थी सर। तो मैंने कंपनी की सारी चीज़ें देखी हैं सर, कंपनी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सर, कंपनी 1995 से चल रही है, तियानजिन चाइना से सर। कंपनी ग्लोबल कंपनी है, कंपनी का बिजनेस लगभग 190 देशों में फैला हुआ है और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। ये कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर लिजिनोन और ये हमारा हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट सर, आपका स्लाइड पहुंच रही सर? हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट सर, ध्यान से, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है और हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है वो वर्ल्ड के 1000 रिचेस्ट लोगों में आते हैं मिस्टर लिजिनोन। और त्यांस का एक सपना है, पूरी दुनिया वर्ल्ड वन फैमिली कंपनी का एक सपना है कि पूरा विश्व एक परिवार है। नेक्स्ट सर जी, ये कंपनी के अपने खुद के R&D सेंटर्स हैं, ताइजिस नाम से चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं और आर लीजेंड नाम से 5-स्टार होटल है। जब हम कंपनी हेडक्वार्टर गए थे तो कंपनी के 5-स्टार होटल्स में हमने स्टे किया था, कंपनी के R&D सेंटर्स को, कंपनी की यूनिवर्सिटी को, सबको देखा। ये कंपनी की अपनी यूनिवर्सिटी है तियानजिन यूनिवर्सिटी, इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। और हमारी कंपनी ने जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है KR मंगलम यूनिवर्सिटी और आपकी MIT यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया हुआ है। और हमारी कंपनी को सही सब स्लाइड्स आगे जा रही हैं
ये संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग मिला हुआ है। एक हमारी अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके हेडक्वार्टर्स में डायरेक्ट सेलिंग का फ्लैग है और मैं इसको पर्सनली देख चुका हूँ। ये कंपनी के चेयरमैन ली जिन वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स के साथ जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ हैं, जॉर्ज बुश के साथ, आपके इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब भी हमारे चेयरमैन कहीं भी जाते हैं तो स्टेट गेस्ट होते हैं। और इसका एग्जांपल मैं पर्सनली देख चुका हूँ सर, जब इंडिया में आए थे तो इनको एक आईपीएस ऑफिसर ने अकंपनी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऑनर कर चुकी है यूनाइटेड नेशंस इनको, और यूएनओ ने फ्लैग भी दिया हमारी कंपनी के लिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कंपनी के लिए दुनिया में। यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है हमारी कंपनी के पास, मतलब यूनाइटेड नेशंस की फ्लैग होल्डिंग कंपनी है यंग इंटरनेशनल, तो 25 साल पुरानी कंपनी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इंजीनियर सर के साथ। जी सर, ये सीईओ मेंबर भी हैं सर कंपनी, जो चेयरमैन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सीईओ लेवल के मेंबर है, और हमारी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है इंडिया में, और जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में वो इन आईडीएसए की मेंबर है, और हमारी कंपनी में उनमें से एक है। बिल्कुल, ये कंपनी के चेयरमैन जब 2018 में आए थे तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारी पॉलिसीज को और हमारे प्रोडक्ट्स और कंपनी की सर्विसेज को बड़ा इंक्रीज किया था और एडमायर किया था, ये उनके साथ मीटिंग के प्रपोजल। कंपनी के पास कंपनी एक तो होता है सर इनकम तो कर ही रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, साथ साथ में कंपनी रॉयल समाज सेवा का काम भी कर रही है। लगभग 2000 करोड़ की समाज सेवा का काम चैरिटी हमारे चेयरमैन जो है वो कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप राइट साइड में 2010 की फोटोग्राफ है, ये बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ लॉन्च किया था एक चैरिटी इवेंट डिनर पार्टी में मिस्टर ली जिनयोन और जो उनकी बेटी है वेंडी ली। आज से 10 साल पहले की ये फोटो है, आप राइट साइड में देखेंगे मिस्टर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ 10 साल पहले, तो समझ लो कंपनी कितनी सॉलिड 10 साल पहले भी थी और आज से और भी सॉलिड हो चुकी है। ये कंपनी का जो 6400 लोगों को फ्रांस लेके गई थी, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और इसकी न्यूज लगभग हर मीडिया चैनल में आई थी। आप टाइप करिए तो सीएनएन पे भी मिलेगी आपको, जितने भी टॉप मोस्ट चैनल हैं, और इंडिया में इसकी जो खबर है जी न्यूज पे आई थी, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी ने बनाया था, और हमारे जो सीनियर एम एस पाल भी बसनायक वो भी सीमेंट का हिस्सा थे। बिल्कुल, मुझे भी ये सौभाग्य मिला था फ्रांस जाने का, और फ्रांस में हमारा एक हफ्ते का टूर था जहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कंपनी को ये रिवॉर्ड मिला था। ये भी रिसेंटली हुआ था सर, इस साल की बात है, टाइम्स न्यूयॉर्क में। जी जी, वहाँ पर ये ग्लोबल ब्रांडिंग जो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है उसके साथ, उसके लिए ये नासडेक स्क्रीन, जो नासडेक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का, तो वहाँ पर ये ऐड हुई थी। और बाकी इस कंपनी को हजारों अवार्ड और सर्टिफिकेट पूरी दुनिया से मिले हुए हैं एक से एक। बाकी मुकेश जी, अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में हम 18 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गए इस कंपनी को, आज लगभग 100 से ज्यादा स्टोर है इस कंपनी के पास में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन सबको मिलाकर लगभग 100 के आसपास फ्रेंचाइज स्टोर। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तहत ज्यादातर प्रोडक्ट हम इस टाइम हिंदुस्तान में बना रहे हैं, तो वोकल फॉर लोकल भी हो रहा है साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, हेल्थ भी मिल रही है। और ये कुछ ऑफिस हैं मुकेश जी, तो आपने एक छोटा सा हमारी यात्रा की आज की जर्नी, ये कंपनी स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, और आप सर अपने फ्यूचर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं ट्यान इंटरनेशनल में, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, और अगले आपके 2-4-5 साल का क्या विजन है? सर मैं लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ, और अभी तक मेरी अचीवमेंट्स रही हैं कि ब्रॉन्ज लाइन बना हूँ, एक छोटी सी उपलब्धि है बस, आगे आसमां बाकी है सब उपलब्धियों के मामले में। मेरे को अगले 1 साल में 100% गोल्ड लाइन बनना है सर, और अगले 5 साल में डायरेक्टर के लेवल को क्वालिफाई करना है, और उसके बाद लग्जरी लाइफ जीनी है, पूरा वर्ल्ड घूमना है वाइफ के साथ सर, और बहुत एंजॉय करना है। जो 20 साल के मेरी जो इच्छा थी ना डायरेक्ट सेलिंग से, वो 3 साल में ध्यान से पूरी कर दी है, और आगे ढेर सारी उपलब्धियाँ लेनी है सर, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, बड़ा बंगलो लेना। मैं सर एक आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगा,
जी सर, आजकल एक है ना, आदमी को अपने ड्रीम्स है ना जो वो बनाते रहने चाहिए, जो पुराने ड्रीम। आजकल मेरा सर अब ड्रीम है, जैसे आप हिमाचल से है ना सर, पहाड़ों से, तो मैंने एक नया ड्रीम बनाया है सर कि मेरा रिजोर्ट टाइप मतलब बंगलो हो हिल्स में, हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो, वो मेरे को 3 साल में अचीव करना है। रिजोर्ट टाउनशिप बनाऊंगा ना मैं, एक टाउनशिप में ही बनाऊंगा, सबकी बुकिंग लूंगा उसमें सर। सारे पैसे जमा करो फटाफट। जी जी सर, पहले 100 आदमी के बनाएंगे बढ़िया वाला। जी सर, पहाड़ों में जो रहने, पहाड़ों में जो रहने का मजा है ना सर। और मेरा सर जो हमारे सीनियर है विकास, एक्सक्लूसिव होगा वो, उसमें बाहर वाले को बेचेंगे भी नहीं। जी सर, उसके लीडर ही उसको खरीद सकते हैं, सोल राइट ओनली फॉर यंग लीडर। तो अगले 3 साल में मेरे को सर अपना बंगलो बनाना है पहाड़ों में सर। बस बस, आप सब लोग तैयार रहिए, पैसे तैयार रखो, स्कीम मेरे पास है। जी सर, क्योंकि रियल स्टेट में हमने काम किया हुआ, अच्छा आइडिया हमारे पास, एक्सपीरियंस है। तो सर आपने तो मतलब जिंदगी सारे सपने आपके थ्रू ही पूरे होने वाले हैं सर। बिल्कुल, कमवाने का काम भी हमने करना है, लगवाने का काम भी हमने करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकेश जी आपको, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सारे ड्रीम्स के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और जैसे मैंने किसी से कल एक ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग में एक बात बताया था मैंने, जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में शार्क है ना, तो समझ लो आप भागोगे भागोगे। जैसे शार्क को छोड़ दिया जाए ना मछलियों के बीच में, तो मछलियां भागती हैं, तो आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई शार्क होनी चाहिए ताकि भागते रहो। सर मैंने अपना बजट भी बनाया है बंगलों के लिए। वेरी गुड, 2 से 5 करोड़। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, फिर से बढ़िया वाला बनेगा, 5 स्टार वाला पहाड़ों में। जी सर, बस ये लिख लो, और ये जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी टारगेट हैं, रिटन इज मस्ट। और ये सर मैंने आज इसलिए बोला कि मेरी टीम भी है इसमें में, तो उनको भी उनके सामने एक डिक्लेरेशन हो गई है, और अब मेरे में जिद रहेगी कि मेरे को ये करके दिखाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारा खेल जिदों का है, और जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, और कंप्रोमाइज करने वाले लोगों का तो सिर्फ गुजारा होता है। दोस्तों 40 साल तो वैसे भी गुजरने हैं, अगले 40 साल हंसते हुए काट लो या रोते हुए काट लो, क्यों ना हंसते हुए दूसरों के सपने पूरे करने के लिए लगा दो अपनी जिंदगी, या अपने सपने पूरे करने के लिए। 10, 20, 30, 40 साल अगर धक्के खाने हैं अलग बात है, और 3-4 साल अगर आपने स्ट्रगल करना है वो अलग बात है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अपने सपने पूरा करने के लिए अगर तकलीफ उठानी भी पड़े ना, क्योंकि बिना तकलीफ के आप मंजिल को नहीं पा सकते हैं। मंजिल तभी मिलेगी, रास्ते में तकलीफ होंगे, और जो तकलीफ उठाएगा वही मंजिल तक पहुंचेगा, और जो मंजिल के लिए पहुंचना नहीं चाहता है, तकलीफ नहीं उठाना चाहता है, वो सिर्फ रात को सपने में हो सकता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं है। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में हमें एक्सेप्ट करना है चैलेंज को, कुछ भी चैलेंज आएगा हम अपने सपने पूरे करेंगे। अगली जो कड़ी है वो है हमारे आज के स्पीकर योगराज शर्मा जी, जो कि सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन की तैयारी में लगे पड़े हैं, तो जोरदार तालियों के बीच में बहुत बहुत स्वागत है सर। सियांस के वो यूनिक प्रोडक्ट जिसकी वजह से सियांस का कंपनी, सियांस का बिजनेस पूरी दुनिया में छा गया है, और हिंदुस्तान के हर घर में हम सियांस पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, तो क्या चीज है सर ऐसी, प्लीज योगराज शर्मा जी वेलकम। राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को नमस्कार जी। सर मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की जो आधार है, अगर हमें खुशहाल जीवन जीना है तो उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। हम जो भी कर सकते हैं और जब भी कर सकते हैं, जब हम हेल्दी हैं, हमारा जो शरीर है वो हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और पूरी दुनिया एंजॉय कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो है, ऐसे ही अगर आपको एक संपन्न बिजनेसमैन बनना है या कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो उसके लिए कोई ना कोई बैकबोन होता है। जैसे इंसान की बैकबोन है कि जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत है ना, तो बुढ़ापा नहीं आता है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है उसको बुढ़ापा 30 साल में भी आ जाता है। तो ऐसे ही हर कंपनी का या हर इंसान का कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही किसी भी बिजनेस में कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी होती है। जो टियांस का बिजनेस है, तो टियांस की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, दैट इज कॉल्ड टियांस
प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट सेगमेंट से, फर्स्ट इज हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिनको हम कहते हैं, और सेकंड वन इज कि हमारे पास हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स, ऐसे डिवाइस जिसको पूरी दुनिया यूज करती है और पूरी दुनिया उसका लोहा मना चुकी है, पूरी दुनिया जो उसका लोहा मान चुकी है। और इन प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है उसके लिए हम सामने एक स्लाइड देख रहे हैं, और उस स्लाइड में आपको कुछ तथ्य नजर आ रहे हैं। ये जो यूनिक प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रहा था कि इनकी आवश्यकता क्यों है, जिसमें दो अलग अलग सप्लीमेंट के, दो अलग अलग सेगमेंट की मैंने बात की आपसे, जो है नंबर एक दुनिया की जो हाईली रिकॉग्नाइज थेरेपी है उसके ऊपर बेस्ड ऑन वापस डिवाइसेस आते हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स आते हैं, और सेकंड वन वापस जो है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है फूड सप्लीमेंट्स आता है, जो कि दुनिया की बहुत ही रिनॉन्ड और बहुत ही प्रसिद्ध और हाईली रिकॉग्नाइज पद्धति जिसको बोलते हैं हम टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसके ऊपर बेस्ड ऑन वापस प्रोडक्ट आते हैं। और थर्ड वन बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही पुरानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी, और जो बहुत ही पुरानी जो जड़ी बूटियां जो यूज होती थी किसी जमाने में, उसके ऊपर बेस्ड ऑन वहां पर पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। इन प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे जो हेल्थ के स्वस्थ है, 15% लोग बीमार हैं जो कि दवाइयों पे हैं या हम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज हैं, और 80% लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं बट उनको पता नहीं है, ना वो बीमार हैं ना वो स्वस्थ हैं, वो चल रहे हैं, कोई सुबह गोली बीपी की खा के निकलता है, कोई शुगर की गोली खा के निकलता है, किसी के स्पाइनल कोड में दिक्कत होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कंप्रेशन रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, या बहुत सारी सेंट्रो प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम से, किसी के वेरिकोज वेन का इशू है, तो किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को एंजाइटी की दिक्कत है, तो किसी का बीपी लो हाई रहता है। और जो इंसान सुबह घर से गोली खा के निकलता है उसको लगता है मैं बीमार थोड़ी ना हूं, क्योंकि अभी तो जिंदगी चल रही है, जब तक हम चलते रहते हैं तब तक हम खुद को बीमार नहीं मानते हैं। पर आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, शांत मन से आप अपने आप से ये पूछिएगा कि क्या आप हेल्दी हैं, तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका कारण क्या है, इन बीमारियों को बढ़ने के पीछे जो रीजन है, आप देख रहे हैं बहुत सारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, स्मोक है, स्मोक की प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा हम जो फसल पैदा करते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा के हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, अच्छी पैदावार हो उसके लिए हम अलग अलग तरह के रसायन यूज करते हैं, और इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रेडिएशन है, क्योंकि जैसे जैसे हम संपन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं, हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे हमारे आसपास में इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे हमारे पास टावर्स हैं, इन सारे कारणों की वजह से हमारा जो हेल्थ है वो डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन डिस्टर्ब होता जा रहा है। और उस हेल्थ कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम एक स्वस्थ जो है शरीर बना सकते हैं जिससे कि हम एक संपन्न जीवन और खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए हमारे पास जो बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो हेल्थ में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है इम्यून बूस्टर, जैसे आज की डेट में अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम पुअर है यानी कि कमजोर है, जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता, जो रोगों को आने से रोके, जो शरीर में आपके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है इस तरह जो क्षमता है, जिसकी वो वीक है ना उसी को प्रॉब्लम से, जिसकी वो कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है उसको प्रॉब्लम्स होती है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पहला सप्लीमेंट है चमत्कारिक मशरूम हिमालयन गोल्ड यानी कि कॉर्डिसेप्स माइसेलियम, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है गोल्डन हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शानदार इम्यून बूस्टर होने के साथ साथ जो है सपोर्ट करता है हमारे किडनी फंक्शंस के लिए, सपोर्ट करता है लिवर को हेल्दी रखने के लिए, सपोर्ट करता है वाइटलिटी के लिए, सपोर्ट करता है हेल्दी लिवर के लिए, हमारा जो लिवर है उसको स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। अगर हमें लिवर से रिलेटेड इश्यूज है
यूरिनेशन की प्रॉब्लम से यानी कि किडनी से रिलेटेड इश्यूज है, अगर हम अस्थमेटिक हैं, अगर हम लास्ट स्टेज पे भी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम से या इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो सारे लोग कॉर्डिसेप्स माइसिलियम ले सकते हैं और कॉर्डिसेप्स माइसिलियम को एक हफ्ता यूज करने पे ही आप बहुत ही शानदार रिजल्ट, उम्दा रिजल्ट आप इससे हासिल करते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का इश्यूज रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, जो लोग डायबिटिक है या जिन लोगों को कंसीविंग में इश्यूज है या जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर रहता है, वो सारे लोग भी कॉर्डिसेप्स माइसिलियम को यूज करके अपने जीवन को और खुशहाल और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और इसकी तरफ और आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी बातें अभी आपसे की इम्यूनिटी को लेकर, जो है किडनी को लेकर, हार्ट को लेकर, लिवर को लेकर, एंड वन मोर सप्लीमेंट हमारे पास जो है स्पिरुलिना, जिसके नाम से समझ आता है और कुदरत ने जो आज से कई लाख साल पहले हमें एज ए गिफ्ट हमें दिया, उपहार स्वरूप दिया, और एक ऐसे मतलब जो एल्गी, इसको एल्गी भी कहते हैं, हम सैवाल भी कहते हैं, जो कि अंटार्कटिका या साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे समुद्री एरिया है या कुछ ऐसी लेक से जहाँ पे ये पाया जाता है रिच मात्रा में, और इसके अंदर जो कंटेंट्स है ये बहुत ही शानदार है, इम्यून सिस्टम के लिए सही है, इसके अलावा ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अंदर जितने भी हम दिन भर में सप्लीमेंट्स, जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन हमें चाहिए होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स हमें खाने पड़ते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स की हमें आवश्यकता होती है या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की हमें आवश्यकता होती है, या जितना भी न्यूट्रिशन हमें अलग अलग न्यूट्रिशन फूड से जो है जो उपलब्ध होता है, वो स्पिरुलिना के एक कैप्सूल में अवेलेबल हो जाता है, और इसके दो टैबलेट, दो कैप्सूल अगर हम डेली इनटेक करते हैं तो 2 kg वेजिटेबल्स और फूड से जितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को प्राप्त होता है, मिलता है, उतना न्यूट्रिशन जो है स्पिरुलिना के 2 capsule हमें देते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा B12 का रिच सोर्स है, जिसकी वजह से हम हेपेटाइटिस बी और सी जैसी प्रॉब्लम्स है, जिससे कि लीवर की जो प्रॉब्लम्स रहती है उससे हम अपने आप को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत शानदार है, और एलर्जी से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें बहुत शानदार है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारा हाई रहता है तो उसमें बहुत शानदार है, और इसमें ऑल एमिनो, मोर देन 18+ एमिनो एसिड्स इसके अंदर है, जिंक इसमें है, कॉपर, मैग्नीशियम और प्रोटीन का रिच सोर्स होने के साथ साथ जो है ऑल बी कॉम्प्लेक्स इसमें है, विटामिन सारे के सारे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, जिसको पूरी दुनिया के अंतरिक्ष यात्री और जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे लोग जो है साइंस का स्पिरुलिना यूज करते हैं, और इसके लिए नासा की तरफ से हमें रिकॉग्निशन भी मिला, रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और आगे की तरफ हम चलते हैं, आज का जो, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्लाइड देखी थी कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, इतनी सारी जो बीमारियां आज की डेट में आ रही है या इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में हो रही है, उन सबका कारण आपने देखा कि 3 मेजर रीजन है जिसको हम कहना चाहेंगे। नंबर एक कि समय के साथ साथ हमने जो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसको चेंज किया, उसमें बदलाव आए बहुत सारे जो है। नंबर दो, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, हमारा जो खान पान है उसमें हमने बहुत सारा बदलाव किया है। और तीसरा, जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं, यानी कि आज की डेट में जो हम प्रॉब्लम्स है वो किसकी वजह से है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। अगर हमें दुनिया में लोगों के साथ आगे बढ़ना है तो हमें उन सारी चीजों को जो है अपनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर आती है तो उसके साथ कुछ जो है डिसएडवांटेज होते हैं, तो आज हमारे शरीर के अंदर जैसे हमने कहा कि हमारे जो रहन सहन है, हमारे जो खान पीन है, हमारे जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, अब हम जो रात को जो हम स्लीप लेते थे पूरा डिस्टर्ब हो गया, पूरा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर हम आज से 15 साल 20 साल पहले की तुलना में अगर आज हम देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आप खुद उसको जो है आकलन कर सकते हैं, उसको जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बहुत पुअर हो गया है। हम प्रॉपर जो भी जितने हैवी मेटल्स हम बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से किसी भी माध्यम से जो है हमारी बॉडी इसको प्रॉपर डिटॉक्स नहीं कर पाती है, इसीलिए कीटोसन को जो है UN के 6th एलिमेंट का दर्जा मिला है धरती पे। जैसे हमें हवा, पानी और इन सारी चीजों की जरूरत है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम 21वीं सदी में स्वस्थ शरीर चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, शरीर के अंदर जो गंदगी
जो जमा होती जा रही है, जो टॉक्सिक एक्युमुलेशन है, उसको अगर हम शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चिटोसन लेना चाहिए। चिटोसन ना केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बल्कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बॉडी से, उसको भी शरीर से बाहर निकालता है, और उसके साथ साथ जो है हमारे लीवर फंक्शंस को सही करता है, लीवर को फिट रखता है, और ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करने में ये काम करता है। और आगे नेक्स्ट हम चलते हैं चिटोसन के बाद जो है वन मोर सप्लीमेंट्स, जिसमें वहां पास है ओमेगा लाइफ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे हार्ट डिजीज की वजह से नंबर वन किलर है आज की डेट में हार्ट डिजीज जो है। पता ही नहीं चलता है, अचानक सुबह हंसता खेलता इंसान पार्क में घूमने जाता है, पता चला लौट के नहीं आया। एक आदमी जिम जाता है, जिम से वापस नहीं आता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है उसमें पता ही नहीं चलता है जब तक प्रॉब्लम 80-90% या 100% या 99% तक ना पहुंच जाए, जब तक एक्सट्रीम लेवल को बॉर्डर क्या ये ब्लॉक होती जा रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, हमारे जो ब्लड है ठीक होता जा रहा है, और उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स यानी कि बहुत सारे ऐसे तत्व पैदा हो जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लाइक फ्री रेडिकल्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको जो है ये ब्लड को थिन रखता है और साथ में हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है और हर्बल सहायता प्रदान करता है। और इसके अलावा हमारी जो नालिकाएं हैं, जो हमारी जो वेन्स है उनको साफ करने का काम भी करता है। इसके साथ जो लोग डायबिटिक हैं, देखिए शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि हमारे जो मैंने आपको भी एक फैक्टर बताया है कि रहन सहन खान पान या हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसकी वजह से हमने इसको क्रिएट किया है। और बहुत सारे लोगों को जेनेटिक भी रहती है कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रही और वो डायबिटिक हो गए, और उसके बाद जब हम इस दुनिया में आए तो वो प्रॉब्लम हम विरासत में लेकर आ गए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 50-60% प्रॉब्लम जो जेनेटिक जो है ऐसी हैं, तो उन वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा है ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह की शुगर को क्योर करने में कैपेबल है, यानी कि जो आपकी जो प्रॉब्लम से जो पैनक्रियाज आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, पैनक्रियाटिक फंक्शंस आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा का काम है आपकी पैनक्रियाज को सही रखना, आपकी पैनक्रियाटिक फंक्शन को जो है अच्छा करना जो है, बीटा सेल्स को रिजुवेनेट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी तो आप डायबिटिक नहीं रहेंगे। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा एक हर्ब होने के साथ साथ जो है आपके जो मल्टीपल ऑर्गन से जो डिस्टर्ब होते हैं शुगर की वजह से उसको भी, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है। और जिन लोगों को जेनेटिक इश्यूज है या होने वाला हो तो वो लोग भी जिम्नेमा ले सकते हैं। बट अगर हमें ये होता है कि हमारे फादर को थी, हमारे ग्रैंड फादर को थी, हम में से पहले मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, आप में से पहले जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय आप ना हो। और इसके अलावा कि एफर्स पाउडर से स्लाइड जा रही है, जी जी बस यहां प्रोकेट सर अगर आप सुन पा रहे हैं, जी सर यहां प्रोकेट राइट सर क्योंकि तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं सभी के घर में होते हैं, और बच्चों के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं उनके जो है ग्रोथ में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और इसके अलावा कि वो पढ़ने में अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि हम उनको बहुत सारा डांटते हैं, फटकारते हैं कि आप भूल जाते हैं, या फिर आपका ब्रेन बहुत अच्छा नहीं है, आप स्टडी से नहीं है, और आप स्पोर्ट्स वगैरह में प्रॉपर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। रीजन है कि हमारे बच्चों को बहुत सारे, एक तो क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा तुनक मिजाजी होते हैं, सबके बच्चे आपने देखा होगा उनको आप बर्गर पिज्जा चाउमीन टिक्का मोमोज पता नहीं ये सारी चीजें ऑफर करेंगे, फटाफट खा लेते हैं। आप उनको बोलेंगे बेटा एक केला खाना है, मुंह चिढ़ाते हैं, एक दूध का गिलास देंगे तो मुंह चिढ़ाते हैं, दाल की कटोरी देंगे तो मुंह चिढ़ाते हैं, बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन जो कि हमारे बच्चों को प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोकिट को बाय करें, और इसके अंदर ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो बच्चों को चाहिए होते हैं
सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है इसमें अवेलेबल है और प्रोटीन का रिच सोर्स है। और जब आप एक से दो महीना अपने बच्चों को देते हैं तो आप देखेंगे कि वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो गए और उनकी हाइट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और एक्टिव भी है कि वो हर तरह की गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा ऑरी के टूथपेस्ट की हम बात करते हैं जो कि कैविटीज के अगेंस्ट काम करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा माउथ से जो है बैड ऑडर्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि स्मेल रहती है और सांस लेने पे बदबू आती है या जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस सारी तरह की प्रॉब्लम या आपके ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या आपके टूथ की कोई भी इश्यूज है तो आप उसको जो है ऑरी के से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके बालों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमारे पास से नीम और आंवला से पूर हेयर ऑयल, जिस नीम जो कि आपके जो है फंगल इन्फेक्शन या पैचेस वगैरह या जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लग गया कई बार बालों में, उसके अगेंस्ट भी काम करता है, बॉडी मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ में जो आंवला जो आपके बालों को काला रखता है, नॉरिश करता है और साथ के साथ हेल्दी रखता है। और फिर हमारे पास शैम्पू है, शैम्पू के कॉम्बिनेशन में अगर आप इसको यूज करते हैं तो जो हेयर फॉल का इश्यूज है या फिर आपको डैंड्रफ वगैरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें वर्ल्ड का बेस्ट और हाइली एक्सपेंसिव फ्रूट इसमें यूज किया गया, क्वीन वन शैम्पू हमारे पास है। और इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल हमारे पास एक तरह की एंटी बैक्टीरियल डिश वॉश हमारे पास है, चारकोल सोप हमारे पास है जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है, डैमेज नहीं होती है, टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है, स्किन सरफेस को डैमेज नहीं करता, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, नॉरिश करता है। और नेचुरल मॉइस्चराइजर हमारे प्रोडक्ट्स में यूज किए गए हैं, लाइक जैसे आप पेनाना हैंड वॉश यूज करते हैं और इसी के साथ वॉश आप देख रहे हैं सामने। और अवर वन ऑफ द बेस्ट नहीं द बेस्ट प्रोडक्ट इन त्यांस इंटरनेशनल जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लेडीज की लाइफ को चेंज किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हिंदुस्तान में जो है जो भी आज किसी भी लेवल पे बिकॉज ऑफ सैनिटरी नैपकिन जो कि एक डोर ओपनिंग प्रोडक्ट भी है, जब आप सैनिटरी नैपकिन का डेमो देते हैं उससे क्लाइंट्स के प्रति आपके प्रति जो आपका जो क्लाइंट से जो हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट्स का सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो कि दुनिया के लाखों रुपए देने से भी जिन प्रॉब्लम्स को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जो गायनी से रिलेटेड आज की डेट में इश्यूज हैं, उसको सिर्फ आप एक सैनिटरी नैपकिन से सही कर सकते हैं जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम यानी कि सिस्ट वगैरह हो जाता है, ब्लड वाटर्स की प्रॉब्लम्स रहती है, व्हाइट और येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में रहती है, नेचुरल कंसीविंग कम साइकिल रेगुलर रहते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप इससे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जो डायक्सिन से फील्ड जो वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन आते हैं जब आप उनको यूज करते हैं उनमें जो प्लास्टिक फिल्म लगी है जो उसमें जो रफ सरफेस होता है जो उसमें नेट और इस तरह की चीजें यूज की जाती है जो रैशेज एचिंग एलर्जी इरिटेशन और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है 100% कॉटन बेस्ड है। उसमें जो चिप लगा है उसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने बहुत सालों जो रिसर्च किया है, इस चिप की वजह से सैनिटरी नैपकिन जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि स्वेलिंग सूजन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। और इसके अलावा ये आपका मेटाबॉलिज्म, आपका इम्यून सिस्टम, जो फिर से बात आगे की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, नैपकिन को यूज करने से लोगों ने ना केवल गायनिक प्रॉब्लम को सही किया है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सही किया है, बल्कि अपने बहुत सारे जो अदर प्रॉब्लम थी उनमें भी सुधार किया है। जैसे कि आपके हिमोराइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है या कई लोगों को स्किन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और इसके साथ हमारे पास जो BCM मशीन जो कि हम आगे बात कर रहे हैं जिसमें स्पाइरल हेलिकल ब्लेड है जो एक मिनट से भी कम समय में जो है साइंटिफिक वे में 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को आपके पाम और फिट में जो पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर देता है और उसकी स्टिमुलेशन से हमारा जो शरीर है वो ऑटो हील करना स्टार्ट कर देता है। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, हमें कई बार लगता है कि ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से उसके लिए रिकमेंड करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा पैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सबके घर में हम हेल्दी हैं, हेल्दी कोई नहीं है, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारा जॉगिंग एक्सरसाइज वॉकिंग योगा ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। अगर बीमार आदमी यूज कर रहा हो तो सही होगा ही होगा, बट अगर एक स्वस्थ आदमी अगर BCM को यूज करना स्टार्ट कर दे तो कई लाखों रुपए जो हॉस्पिटल में जाने वो हॉस्पिटल में जाने से बच जाते हैं,
क्योंकि इससे आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर लेते हैं, आप अपना सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपको अस्थमा से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज रहता है, हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज रहता है, आपको जो ब्रोंकाइट्स यानी कि आपके जो फूड पाइप में स्वेलिंग हो जाती है, इस तरह के जो इश्यूज रहते हैं, आर्थराइटिस की जो शिकायत होती है वो इससे सही कर सकते हैं, आपके सियाटिका पेन की प्रॉब्लम है वो आप इससे सही कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आपको माइग्रेन की शिकायत रहती है, आपको पेट दर्द रहता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप जो सिर्फ बीसीएम को यूज करने से ही खत्म कर सकते हैं। तो हर घर में सबको चाहिए, और इसका जो पर पर्सन अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए नहीं आप पे कर रहे हैं एक आदमी के लिए, और अगर 10 साल तक आपके घर में ड्यूटी जा रही है, और अगर 10 साल में 5 लोग यूज करें तो आप उस 5 हजार रुपए को 10 साल बाइक करें, 100 रुपए से ज्यादा खर्चा महीने का नहीं है बीसीएम का, जो कि आपके परिवार को हेल्दी रखता है। आज हम 15-20-50 लाख की गाड़ी लेते हैं, वो भी 15 साल बाद रिटायर्ड हो जाती है, 20 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन जीरो हो जाता है, डेप्रिसिएशन को होते होते जो है, और ये आपकी लाइफ में जो है उस 15 सालों में, उन 10 सालों में कई लाखों रुपए आपके बचाती है, यानी कि आपको एप्रिसिएशन देती है। और इसी के साथ एक्टिव लाइफ की हम बात करते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड से आपके पूरे हेल्थ को एवेल्युएट करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को पता लगाने के बाद जो है आप उन प्रॉब्लम्स को इस डिवाइस से सही कर सकते हैं। इस डिवाइस को टियांस इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड नेम इस डिवाइस को दिया है, और आज इसका नाम है टियांस एक्यूलाइफ, और पूरी दुनिया के अंदर इसके जो 9 पेटेंट्स के साथ साथ जो है सेंट्रो कंट्री ने इसको अवार्ड दे रखे हैं, और इसके जो इन्वेंटर इनको नोबेल प्राइज डिवाइस के इन्वेंशन के लिए मिला हुआ है। तो बहुत ही शानदार डिवाइस है जो कि आपके पाम से पूरे शरीर को एवेल्युएट करता है, और हमारे शरीर में अगर जो आप देख रहे हैं आर्थराइटिस, किडनी फंक्शंस की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से, फ्लू जैसे हो जाता है, डायबिटिक अगर हम है, या लिवर हमारा जो है डिस्टर्ब है, या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, आईसाइड हमारी वीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्विकल प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस से रिलेटेड इश्यूज है, और गाइनी से रिलेटेड इश्यूज है, प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज है, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप इससे ना केवल क्योर कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार को और अपने जो आपका जो समाज, इसको आप स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस, जो कि बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, और ये आपके स्कल्प पे सिर्फ इसको यूज करना होता है, और जैसे इसका नाम है मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो हमें इश्यूज रहते हैं जैसे अल्जाइमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और हेडेक रहता है, हमें भूलने की आदत हो जाती है, या फिर हमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा लो हाई रहता है, बीपी लो हाई रहता है, उन सारी चीजों को बैलेंस करता है, और इस डिवाइस को भी 7 इंटरनेशनल अवार्ड पूरी दुनिया से मिल चुके हैं। और अगर किसी का पेट आप देखते होंगे, हर किसी का जो पेट है आज की डेट में वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकला होता है, आप इसको आपका जो नेवल है, नेवल के नाभि के आसपास जो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट 1 महीने के अंदर ले सकते हैं। और फिर क्योंकि हम हर जगह बीसीएम को साथ में नहीं ले जा सकते, बहुत सारे डिवाइसेस को नहीं ले जा सकते, बट जैसे मैंने हाथ में डाला है, इसको अगर आप साथ में पहन के जाते हैं तो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर जो रेडिएशन है, जो कि इंडस्ट्री से आ रही है, टावर से आ रही है, हमारे आसपास में लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे इंटरनेट, बहुत सारी गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, आप और हम भी कर रहे होते हैं, उन सारी चीजों से जो रेडिएशन निकलती है जिससे हमारा हम डायबिटिक हो जाते हैं या हमारी डायबिटीज प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि शुगर की जो समस्या बढ़ जाती है, बीपी लो हाई होने लग जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो हम जो है मेमोरी लॉस होने, यानी कि हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, उन सारी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपके शरीर को जो है सुरक्षा कवच देता है। इसी के साथ हमारे पास पेंडेंट है जो कि लंग्स से रिलेटेड और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अगेंस्ट काम करता है। और फिर हम बात करेंगे हाइपर एच कप की, जो है मैं इसको रेगुलर यूज कर रहा हूँ, इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आप जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में ले सकते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है
जैसे आपने बड़े बुजुर्गों से, आप बहुत सारे लोगों को अपने कहते हुए सुना होगा कि अगर पेट आपका सही है ना तो पूरा शरीर आपका सही है, तो सबसे पहले आपके पेट के ऊपर काम करता है, स्टमक के ऊपर काम करता है, और आपको अल्जाइमर जैसी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, क्रॉनिक आपका जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज है, उन सारी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट ये काम करता है। इसके 2 लीटर पानी पीने का मतलब हो गया एक दिन में 700 बनाना यानी कि 700 केले, 500 सेब, 40 गाजर और 2 किलो कद्दू खाने से, यानी कि पंपकिन यूज करने से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को मिलता है, उतना एंटीऑक्सीडेंट आपको जो है हाइड्रोजन एच कप का 1.5 लीटर पानी आपको प्रोवाइड करता है। तो इस पानी को पीने से और इसके जो मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन जो एंटीऑक्सीडेंट इतना स्मॉल है कि आपका जो ब्रेन में जहाँ पे जो नॉर्मल कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जहाँ पे प्रॉपर जो नहीं जा पाता है, उन सेल्स में या उन टिश्यूज में भी आपका जो हाइड्रोजन एच कप का जो एंटीऑक्सीडेंट इजिली वहां पे पहुंच जाता है, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया वहां पे चली होती है उसको जो है खत्म करता है और आपको हेल्दी रखता है। तो सर ये प्रोडक्ट का सेशन था जिससे आप जो है जो बैकबोन है त्यांग की जो है, जिसकी वजह से आज त्यांग पूरी दुनिया के अंदर 190 देशों के अंदर जो है अपना परचम लहरा रही है। पूरी दुनिया के अंदर त्यांग ने जो है त्यांग का जो फ्लैग है, त्यांग का नाम रोशन किया है, और पूरी दुनिया में आज सैकड़ों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ को बेहतर किया है, अच्छा किया है और खुशहाल किया है, और उनमें से बहुत सारे लोगों को आप इस पैनल पे देखते हैं, मिलते हैं, और या आप एच कप देख रहे हैं सामने जो सर दिखा रहे हैं आपको जो कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सर रेगुलर इसका बेनिफिट उठाते हैं और साथ के साथ वहां पे पानी रेडी हो रहा है। ये आपका जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन H2H जो मॉलिक्यूल्स है उसको जो है अलग कर रहा है और आपको जो एक हेल्दी लाइफ के लिए जो है आपके लिए एक वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो त्यांग ने आज अपना परचम लहराया है, करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर किया है, उसका कारण है त्यांग के प्रोडक्ट, उसका बैकबोन है त्यांग के प्रोडक्ट, उसकी रीडी है त्यांग प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 2 अलग अलग सेगमेंट में और दुनिया की हाईली रिकग्नाइज और ओल्डेस्ट थेरेपी के ऊपर हम काम करते हैं, ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल जो हमारी चिकित्सा पद्धति उसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसको 5000 साल पहले से दुनिया में यूज किया जाता रहा है, और हमारी जितना भी लिटरेचर आता है, बुक्स आती है, या जब आप कभी गूगल करते हैं तो वहां पे भी आप देखते होंगे त्यांग एक ऐसी कंपनी है जो अपने लिटरेचर में, अपनी वेबसाइट में, विकिपीडिया पे वहां पे लिखा हुआ मिलता है कि हम 5000 साल पुरानी जो पद्धति है उसके ऊपर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके ऊपर बेस्ड ऑन हेल्थ इक्विपमेंट हम बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य को अच्छा किया है। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि एक स्वस्थ शरीर ही एक खुशहाल जीवन की पूंजी है या कुंजी है। तो आप सभी हेल्दी रहें, और जब आप हेल्दी होंगे तो वेल्दी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो हार्टे थैंक्स टू यू सर कि आज पैनल में ये जो सेशन था इसको मैंने बखूबी निभाया होगा, और आई होप कि बहुत सारे लोग इससे फायदा लेंगे, और आपकी और हमारी तरह जैसे हमने अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने जीवन को खुशहाल किया है, संपन्न किया है और करते जा रहे हैं, वैसे ही आप सभी लोग भी अपने जीवन को खुशहाल करें और संपन्न करें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे तक। जी सर अब आ रही है। राइट सर, हाँ अब आ रही है सर। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ भी योगराज जी जाते हैं वहाँ झंडे गाड़ देते हैं और इनका बेसब्री से इंतजार रहता है, जिस इलाके में जाते हैं समझ लो वहां पर त्यांग शुरू हो जाती है। तो ये आपके बिल्कुल और ये सारी चीजें जो है आपसे है। वो बोलते ना कि जैसा पेड़ होता है वैसे बीज होते हैं, जैसे बीज होते हैं तो वैसे ही न्यू क्रॉप होती है, और ये सारी जो चीजें हैं जो कुछ भी हमने सीखा है आपसे सीखा है, और आज हम जहाँ कहीं भी हैं बिकॉज ऑफ यू, आपकी जो गाइडेंस है, ट्रेनिंग्स है और आपका जो सपोर्ट रहता है उसकी वजह से आज हम
और जितने भी पैनल में बहुत सारे लोग हमारी टीम में और मेरे अपने नेटवर्क में जो आज खुशहाल हैं और जिनका जीवन बहुत बेहतर हुआ है। जैसे अभी मुकेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 2 सालों में कर लिया और अगले जो 20 साल के लिए बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे सपने हैं जो हम शायद जो काम कर रहे थे उसमें वो पॉसिबल नहीं था और उसमें वो सोचना भी मतलब ना पाप लगता था कि कैसे सोचेंगे पूरा ही नहीं होगा। बट त्यांस की अपॉर्चुनिटी से, इस अवसर से, जैसे कि आप और हम सभी लोग जो है अपने जीवन को अच्छा करते जा रहे हैं और आज हमारे साथ सैकड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को अच्छा किया है, तो ऐसे ही कई हजार लाखों लोगों ने अपने जीवन को और खुशहाल करेंगे। और हमें सिर्फ लगे रहना है, सीखते रहना है और करते रहना है। जैसे हिमाचल की बसों में लिखा होता है ना, कहते जागते रहिए और भागते रहिए, क्योंकि जागते रहेंगे जब भी भाग पाएंगे, जागेंगे नहीं ना, नींद लग गई तो पता चला कि डायरेक्ट टिकट निकल गया। तो यहाँ पे भी जागना जरूरी है, जागते रहना है और भागते रहना है। बिल्कुल 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 योगराज जी, जैसे आपने बताया, मुकेश जी की बात बताई अपने बारे में, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपकी फाउंडेशन अगर मजबूत है ना तो आप कहीं पर भी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। फाउंडेशन इज मस्ट। आज आप लोग अगर मार्केट में छाए हुए हैं और मार्केट में आप इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आपने बेसिक चीजें सीख ली हैं। आज आपके सामने कोई भी लोग बैठ जाए, कोई भी इंसान बैठ जाए आपके सामने, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो नेटवर्कर है, या फ्रेश आदमी है, वो करोड़पति है, वो आम आदमी है, कैसे भी इंसान आप लोगों के सामने बैठ जाए, आज आप में शेखर जी में, शेखर बोरा है, योगराज जी हैं या मुकेश शर्मा जी हैं, जो आज के तीनों स्पीकर ऐसे हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं आप लोगों पे कि यस, यू आर द फ्यूचर ऑफ त्यांस इंडिया, त्यांस इंडिया, त्यांस इंटरनेशनल में आप अपना नाम एक इतिहास रचने वाले हो। आने वाले कल में साल, 2 साल 3 साल, अगले 5 साल में आपके नाम पर त्यांस मतलब योगराज शर्मा, त्यांस मतलब शेखर बोरा, त्यांस मतलब मुकेश शर्मा, और ये आपने करके दिखाया है। ये एक तो बातें करनी होती है और एक होता है प्रैक्टिकल, आप भागते हो मार्केट में, लोगों से मिलते हो। और मैंने आप लोगों को सबको कहा कि आप लोगों ने देखा भी है, योगराज जी ने और लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है मुझे काम करते हुए, कि आप लोग आज भी बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों से मैंने 10 गुना ज्यादा मेहनत की है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी मुझे ये लगता है कि अभी भी मेहनत और ज्यादा करनी है आप लोगों को, हालांकि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बस फिर भी मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको जो टक्कर है ना, वो टक्कर मुझे देनी है। आपकी मेहनत मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, और मेरी ऐसी दुआएं भी आप लोगों के लिए कि आप मेरे से आगे जाओ, ठीक है ना, और मेरे से ऊपर जाओ, मेरे से ज्यादा पैसा कमाओ, राइट। हालांकि वो अलग बात है, प्लान ही ऐसा है, अगर आप सबने ज्यादा कमा लिया तो मेरे से ज्यादा हो जाना है वो अलग बात है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, जो आपका वाई है ना, वाई क्यों कर रहे हो त्यांस आप। वो पिछले कल मैंने शार्क मछली की कहानी सुनाई थी, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना, जिनके सिग्नल कट गए थे ना, यूट्यूब में जाके जरूर सुन लेना, फिर मत बोलना सिग्नल कट गया था। यूट्यूब में कोई सिग्नल नहीं कटा हमारा, हमारा सिग्नल फुल चल रहा, फुल जब से लगे हैं ना त्यांस जी में, हमारा सिग्नल कटा ही नहीं, ठीक है। सिग्नल कटने नहीं देना है, और कट गया तो पकड़ लेना है कहीं ना कहीं जाके आगे, तो उसीलिए हमने यूट्यूब चैनल में सारी वीडियो जाती हैं, तो आपका कभी भी सिग्नल कटने वाला नहीं है, ठीक है। बाय चांस टेक्निकली कट भी जाए, बट हम टेक्निकली कटने नहीं देंगे, तो वो हमारी कोशिश है। तो दो चीजें बड़ी जरूरी है जिंदगी में, वाई क्यों करना है, उसको मैं आपको दो फार्मूले बता रहा हूँ आज, उसके बाद वो वाई कैसे पूरा करना है उसको बताने के लिए आ रहे हैं हमारे यंग चैंप्स मिस्टर शेखर बोरा। तो दो वाई पैदा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर आपके पास खूब सारे पैसे होते, मान लो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, खूब सारे पैसे हैं, तो आप जिंदगी में सबसे पहला क्या काम करते आप, नंबर वन काम, नंबर टू काम क्या करते आप, नंबर थ्री काम क्या करते। अगर आपके पास खूब सारा पैसा होता तो 10 चीजें लिखी है डायरी में आज रात को, कि 10 ये वाले काम तो मैंने सबसे पहले करने हैं, अरे करोड़ रुपए आ गए मेरे पास में, तो भाई जो सबसे पहले ये करूंगा मैं। दोज आर योर वाई, नंबर वन। नंबर टू, वाई पैदा करने का तरीका, अगर किसी को ये पता लग जाए ना कि भाई साहब 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, 5 साल का टाइम है,
टिकट कट जाएगी तो कौन सा काम करेगा आदमी? अगर ये पता लग जाए कि बहुत कम टाइम है तो आप कौन सा काम करेगा इंसान? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से होते हैं जिसको ये पता लग जाए ना भाई साहब समय नहीं है, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आदमी के सामने ना सब आंखें खुल जाती है, सब दिमाग की बत्ती जल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। वो इंपॉर्टेंट लिखिए 10 ऐसी चीजें जो आपको करनी है, जरूरी है। और दोस्तों मैं इसलिए कहना चाहता हूं हमारा जो वाई है ना अगर स्ट्रांग है, हाउ की टेंशन मत लो, हाउ तो प्यार से बना दिया है, और अभी शेखर बोला जी आ रहे हैं उसी हाउ को पैदा करने के लिए, निहाउ करने के लिए। तो अगली वॉइस जो है निहाउ मिस्टर शेखर बोला, अवर यंग चैंप, यंग लीडर जो मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्डन लाइन की पोजीशन के लिए, और मुझे उम्मीद है अगले 6-8 महीने में ये धमाका करने वाले फरीदाबाद के शहर में। तो ये अच्छी बात है, योगराज जी ने हिमाचल से मोर्चा खोला हुआ है, शेखर जी ने और मुकेश शर्मा जी ने फरीदाबाद से इस टाइम फिलहाल। तो ऐसे ही आपको अलग अलग लीडर मिलेंगे यहाँ धमाल करते हुए मिलेंगे आपको, अलग अलग दिन में, अलग अलग टाइम में, कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स। तो देखते हैं कल ट्रेनिंग है प्रोडक्ट की, कल बिजनेस की नहीं है, कल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली कल की ट्रेनिंग जो है अनाउंसमेंट में आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन है, ठीक है। बट अब बात आती है बिजनेस की, पैसे, पैसे कैसे आएंगे, मोटे पैसे, छोटे पैसे भी और मोटे पैसे भी, छोटे मतलब तुरंत पैसा, तुरंत दान महाकल्याण, और लॉन्ग टर्म में 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपकी 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख, 10 लाख की इनकम कैसी होगी? आप सोचिए 1,00,000 रुपए की इनकम कितने लोग कमा रहे हैं आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में कितने लोग हैं जो 1,00,000 से ऊपर कमा रहे हैं, आपके दोस्त सर्कल में कितने लोग हैं जो 1,00,000 रुपए महीना कमाते हैं? आप 100 लोगों को गिनोगे ना मुश्किल से 2 गिनती के मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, लोगों ने 10-10 20-20 साल काम कर लिया, नौकरी कर ली 40 साल, अभी भी 1,00,000 रुपए नहीं आया, इसलिए 10 साल से दुकानदारी कर रहे हैं, 20 साल से आज भी 1,00,000 रुपए नहीं कमाते हैं। इसका मतलब 1,00,000 रुपए कमाना कोई मजाक नहीं है, और आप कमाने की सोच रहे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। आम काम करने से कभी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 नहीं आने वाले, सिर्फ सपने में आ सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल चलनी चाहिए उसके लिए एक्सपीरियंस बनी है, और जोरदार तालियों के बीच में यंग ब्रॉन्ज लायन मिस्टर शेखर बोरा, बहुत बहुत स्वागत है। जी शेखर जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि वाई, और बिना वाई के कहते हैं हाउ नहीं, हाउ तो मिल ही जाएगा, और सिंपल वही चीजें हैं कि अभी इतना बड़ा प्रोफाइल, अभी सब लोगों ने देखा हमारा प्रोडक्ट्स विद क्वालिटी देखा, क्योंकि 2 पिलर जो थे बहुत स्ट्रांग है हमारे। अब बात आती है अगले 2 पिलर की, कि इसका पे आउट प्लान, कि कैसे आप पे आउट बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो एक टारगेट रहता है ना, कि जितने भी लोग हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आज आप सभी सोचे कि आपने टियांस को ज्वाइन क्यों किया था। शेखर जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में बताना जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, और फिर ये मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्या 1-2 लाख रुपए कमाना मजाक है? क्योंकि मैंने आपके खाते में 3-3 लाख रुपए भी देखे हैं, 1 महीने में 3 लाख रुपए आए, आपको 4 लाख रुपए भी आए हैं, ठीक है ना, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भी आपने कई बार देख लिए इस उम्र में, छोटी उम्र में। बट मेरे को मार्केट के बारे में पता है, मैं भी पिछले 20 साल से मार्केट में हूँ काम करता हुआ, 18 साल तो त्यांस में हो गए, कि 1,00,000 रुपल्ली कमाना मजाक नहीं है। बस त्यांस में ये मजाक कैसे बन गया, तो प्लीज गो अहेड। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अपने लिए भी, और बस वही मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं कंप्लीट कर रहा था, कि जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो मैंने देखा कि हेल्थ मतलब एक 100% का एक परसेंटेज रेशियो लें तो 80% होते हैं जो मनी के लिए आते हैं, 15% है जो हेल्थ के लिए आते हैं, 5% है जो प्रोफाइल देख के आते हैं। मतलब ये एक मैंने एक डाटा निकाला है,
वो बात की बात है, जब वो जुड़ते हैं तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो समझ आता है कि पैसा चाहिए। तो सेम एज इट इज हमारे साथ भी यही है। जब मैंने ज्वाइन किया था 19 साल में, तो मेरा टारगेट था वो 5% वाला, कि प्रोफाइल अच्छा है और हमें घूमने जाना है, क्योंकि मेजर जो आपने बोला ना शार्क कि क्यों भगाना है, तो हमारा शार्क था यार पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे, बाहर दूसरी कंट्री घूमने जाएंगे, तो वो एक कीड़ा था अंदर कि यार नहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और कुदरती उस टाइम कंपनी ने एक ऐसा टूर दिया जो शायद मैं कह सकता हूँ कि अचीवेबल था और लग रहा था कि हो जाएगा। और अगर आप सभी लोग देखें तो जितने भी टूर्स आते हैं वो अचीवेबल है, कोई ऐसा नहीं है। अगर आप दिल से, अगर आप पहले दिन से ही आप शुरुआत करें तो आखिर तक आप उस टूर को पहली बारी में अचीव कर सकते हैं, मतलब इतना स्टेबलाइज्ड है। तो हमने जब शुरू किया था तो हमें बिलीव नहीं था, क्योंकि हमारे पास 1 साल का टाइम था। और जब ज्वाइन किया था तो आप समझना कि एज अ बीकॉम सेकंड ईयर में मैंने इसको ज्वाइन किया था, और साथ साथ स्टडीज के साथ साथ मैंने इसमें काम करना शुरू किया। सिर्फ जब ज्वाइन किया तो एक टारगेट था, मतलब कहते हैं ना कि जितने भी लोग थे यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस, सारी चीजें थी, नॉलेजेबल पर्सन थे, बट हम एज अ स्टूडेंट थे, ना कोई जॉब किया था ना कोई बिजनेस किया था। और वही था कि एक चीज सामने देखी कि यार यहाँ पे ना लोग फ्लाइटें ले रहे हैं, और मैंने देखा भी कि वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे जा रहे थे जो शायद दिखने में भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बट वो फ्लाइट में थे, मतलब अलग अलग टूर्स जो वहाँ फोटोज आ रही थी। तो हमें लगा जब ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वहीं से था कि यार एक बार ट्राई करते हैं, और वहीं पे काफी सारे लोगों ने बोला कि जिंदगी में जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलता। कहते हैं खाना जब बनता है ना, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो खाने की भी वैल्यू नहीं बता सकते कि वो कैसा बना है, तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो डिसीजन लिया, पहले 6 महीने डिसीजन ऐसा था कि लोगों को बताते थे, समझाते थे, लोग नहीं मानते थे, और लोगों का एक माइंडसेट क्लियर था यार 10-20-50 हजार रुपए ही एक कमा सकते हैं, या 1 लाख रुपए मैक्सिमम, बहुत कम रेंज के लोग होते हैं जिनका माइंडसेट वहां तक जाता है, और किसी से 10 लाख की बात कर दो तो वो वैसे चक्कर खा के गिर जाता है। तो ये तो मतलब मार्केट का उसूल है, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में ये चीजें, बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब आगे की भी सोच रहे हैं, बट हम शायद उस फैक्टर उन लोगों तक अभी हम पहुंचे नहीं थे। तो पहला साल बड़ा खतरनाक भी रहा, लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, प्लान बताते थे, समझाते थे, तो लोग मना कर देते थे, और लिटरली हमें 6 महीने में समझ आ गया कि हमें ऐसा लगा कि यार पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। बट वही चीजें हैं सर कि आईडी नेट सिस्टम जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वहां से एक चीज सीखने को बहुत ज्यादा मिली कि अपने आप को, जो आपने कल भी बताई ट्रेनिंग में, कि हमको पहले रेडी करना होगा अपने आप को ताकि हम प्रॉपरली इसको बता सके लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला रेडी है, वो डिजर्व भी करता है काम करने का, बट हो सकता है कि हमारे पास वो चीज नहीं मिली हमें कि हम उसको वो बता पाए। तो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर करके आप कहीं भी जाते हैं, चाहे घूमने जाते हैं, चाहे किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते हैं, मतलब आपको एक मतलब अच्छा लगता है। तो सेम एज इट इज है कि हमने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया अगले 6 महीने में, और कुदरती उस टाइम टूर आ गया था, और वो भी चाइना हेडक्वार्टर का टूर था, तो उस टूर को हमने अचीव किया, और लगभग 22 लोगों ने मेरी टीम के साथ अचीव किया। तो बहुत मजा आया पहले टूर में, पहले फ्लाइट, पहला बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस, और हेडक्वार्टर का विजिट, और आप सुना अकेले नहीं, लगभग हम 850 लोग हम इंडिया से, हम यहाँ से फ्लाइट हमने ली थी। तो कहते हैं ना कि लोगों ने फ्लाइट फिर भी ली होगी कभी जिंदगी में टूरिज्म के तौर पे, और उसमें अननोन लोगों के साथ वो गए थे, बट हम जो गए थे फैमिली के साथ गए थे, एक समूह के साथ गए थे, और एक कहते हैं ना कि कंपनी के साथ हम गए, तो वहां पे बिल्कुल भी अलग सा नहीं लगा, सब मजेदार था और नया एक्सपीरियंस था। वहां पे काफी सारे नए लोग मिले, अलग अलग स्ट्रीम के जानने को मिला, और जब हम बाहर जाते हैं तो और भी लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी टीएस को कर रहे हैं, अलग अलग एज के लोग। तो कुछ पैटर्न ऐसा भी था कि जो हमारा सेकंड टूर था इंडोनेशिया, वहाँ पे मतलब हमारी एज के लोग, क्योंकि यहाँ पे 18 साल है तो वहाँ पे शायद 14 साल है, कि 14 साल से लोग वहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखे कि 23 साल के, 24 साल के, 25 साल के, मतलब यंगस्टर्स 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मतलब एक फैक्टर सा जगह, जब यार ये वहाँ इंडोनेशिया एक छोटा सा देश, और आप सुनो उसकी करेंसी भी बहुत सस्ती है इंडिया से, कहते जब वहां पे पॉसिबल है तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो उसी तौर पे जब हमने शुरू किया, तो आज 5 साल हुए मेरे को, तो 5 सालों में लगभग 15 कंट्रियां मैं घूम के आ चुका हूँ। और इसके अलावा जो सेकंड मैंने बोली 80% पे लोग आ जाते हैं जब आप काम करते हैं, तो बहुत अच्छा पे आउट मैं कंपनी से ले रहा हूँ। इसके अलावा ग्लोबल रॉयल्टीज, एक मौका मिला, एक चांस मिला, और सपना सा लगा जब हमने इसको अचीव किया, कि पता नहीं था लेकिन हो गया करते करते। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी से ब्रांड न्यू इकोस्पोर्ट टॉप मॉडल मैंने अचीव किया,
जो कि लास्ट ईयर मैंने लिया यहाँ पे, ब्लू कलर का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ब्लू कलर का मॉडल लिया था तो उससे पहले काफी सारी दो चीजें चल रही थी। एक चल रहा था कि महंगी गाड़ी ना लो, एक छोटी गाड़ी ले लो, 4-5 लाख की गाड़ी ले लो, वो बेटर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, लेकिन माइंडसेट था नहीं लेनी है तो बढ़िया लेनी है। और दूसरी चीज ये थी कि जब गाड़ी सेट कर ली तो लोगों ने कलर के ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि ब्लू मत लो, तुम व्हाइट लो या ये लो ताकि ये बिक जाएगी। तो मैंने कहा कि यार बेकने के लिए थोड़ी खरीदी है, एंजॉयमेंट के लिए खरीदी है और ऐसी ही लाइन लगानी है। तो मतलब ये चीजें थी जो फैक्टर बना। और आज भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छा अभी बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी टीम है और बहुत मजा आ रहा है। और यहीं पे मैं सभी के साथ, सभी को मैं वो चीज बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से डिसीजन लेना और इजी हो गया। तो अभी मैं बात करूंगा हमारे दो और पिलर की, जिसको प्लान और पे आउट कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्लान की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये मिक्सचर ऑफ 3 प्लान है। कि आप सुने, इसमें सबसे पहली चीज है हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, जनरेशन प्लान है। ये तीनों प्लान का निचोड़ एक ऐसा प्लान है जो अभी तक इस इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं है। बहुत यूनिक प्लान है और यहाँ पे आप हर हफ्ते पे आउट बना सकते हैं, जो कि आप महीने में 3 बार जनरेट करते हैं, 10 तारीख को, 16 तारीख को और 30 तारीख को। तो यहाँ पे जैसे सैलरी महीने में सिर्फ एक ही बार आती है, पेंशन होती है वो भी एक बार आती है, लेकिन यहाँ पे हर महीने आप 3 पे आउट मिनिमम से मिनिमम बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि दो टाइप के लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, या तो वो पैसिव इनकम कमा रहे होंगे या वो एक्टिव इनकम कमा रहे होंगे। एक्टिव इनकम वाले वो लोग होते हैं जो नीड्स को पूरी करते हैं। आपने अपने आप को आप कंपेयर कर सकते हैं, आप अभी तक नीड्स को पूरा कर रहे हैं या ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं या रॉयल लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नीड्स को पूरे कर रहे हैं तो आप एक्टिव इनकम में। एक्टिव इनकम मतलब है या तो आप दूसरे की नौकरी कर रहे हैं या फिर खुद की नौकरी कर रहे हैं। जब आप काम करोगे तभी पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा खत्म हो जाएगा। जबकि पैसिव इनकम वाले लोग वो होते हैं जो खुद का बॉस होते हैं और खुद के बिजनेस वो रन अप करते हैं। वो जब काम करते हैं तो पैसा आता है, जब वो नहीं भी करते तो भी उनको पैसा आता है। तो ये क्या लाइफस्टाइल आप सभी चाहते हैं? क्योंकि अमीरों का एक फॉर्मूला है, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। जितने भी आज करोड़ोंपति अरबोंपति लोग हैं उन्होंने सिर्फ नेटवर्क बनाया है। ये वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स है जो अभी आपके सामने है और आप समझ रहे हैं सबका नेटवर्क है। ये ऐसा नहीं है कि अकेले तौर पे लगे हैं। आज कईयों, आज चाहे एप्पल है, ओप्पो है, आप समझो पूरी दुनिया में इन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से आज ये एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसा ही नेटवर्क हमें क्रिएट करना है हमारे लोगों के साथ, क्योंकि आज तक जिंदगी में हमने रिकमेंड करके लोगों को अमीर बनाया है, हमने और ब्रांड्स को अमीर किया है और उनसे क्या हुआ है, लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, लाइफ को चेंज किया है। जबकि आज मौका आपके पास है कि यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली चीज की कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है 40%, 60% पैसा होलसेलर रिटेलर और सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट वाले कमाते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, हम काफी सारे लोगों को बताते हैं और आप सुना लोग मतलब प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसका बेनिफिट ना ही हमें मिलता है ना ही उन लोगों को मिलता है। और अमीर कौन होता है? ये वाला चैनल। जबकि टियांग्स आपको एक मौका देता है कि यहाँ पे जब आप रिकमेंडेशन करते हैं, लोगों को शॉपिंग करने का ऑप्शन देते हैं और उससे क्या आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और उससे फायदा क्या है कि जो पैसा आज उन लोगों में बट रहा था वो लोग अमीर हो रहे थे, यहाँ पे आप और हम जैसे कईयों लोग, आम इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ क्रिएट कर सकता है। तो ये प्लान है। और बात करते हैं कि आने वाला टाइम, आप सभी को पता है कि डिजिटलाइज हो चुका है, डिजिटल बिजनेस है। आज कहते हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत ही सही चीज बोली गई है कि आज हमारे फोन में वो सारी चीजें हैं कि आज बैठे बैठे आप, जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही आप एक नेटवर्क लोगों के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है रजिस्ट्रेशन का। और इसके अलावा आपकी 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, पैन कार्ड मस्ट है, बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ, ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप कंपनी में रजिस्टर हो सकते हैं। और रजिस्टर होने के बाद, क्योंकि रजिस्टर होने के बाद तो आपने सिर्फ एंट्री ली है, फिर आपको एक ऑप्शन ऑप्ट करना है कि आपने कहां से इस बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि कहां कितनी आप शॉपिंग करके आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है
लेकिन उसके बाद आता है ऑप्शन कि आप इस काम को ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, आइदर प्लैटिनम कार्ड, आप कौन से कार्ड से इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और लगभग ब्रॉन्ज कार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रॉन्ज कार्ड में लगभग आपको 10,000 का प्रोडक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी होती है। वो कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी चॉइस का, चाहे आप नैपकिन लो, चाहे आप फूड सप्लीमेंट लो, चाहे आप गैजेट लो, इक्विपमेंट लो, पर्सनल केयर लो, जो आपको चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिस दिन भी 10,000 की शॉपिंग कर ली, आप कंपनी के हो जाते हैं ब्रॉन्ज कार्ड। और अगर आपने 200 BV यानी कि 20,000 की शॉपिंग कर ली लगभग, तो आप सिल्वर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने 40,000 की शॉपिंग कर ली तो आप गोल्ड हो जाते हैं। और जिंदगी में आपको लाइफ में एक बार गोल्ड होना है, तो आपको मतलब बार बार नहीं होना, एक बार होना है। और यहाँ पे कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है कि हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप ब्रॉन्ज से एक कहते हैं ना शुरुआत के लिए आप शुरू कर सकते हैं, और 100 BV मतलब 10-10-10-10 करके आप तब भी आप अपने आप को गोल्ड कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। गोल्ड तक तो आप पहुंच गए, जैसे ही आप गोल्ड पहुंच गए और आपने अपने कुछ लोगों के साथ आपने कनेक्ट किया और उनको समझाया, और उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने अपने आप को गोल्ड कर लिया, चाहे वो एक बारी में चाहे वो धीरे धीरे, जिस दिन भी कर लोगे उस दिन आप प्रीमियम प्लैटिनम कार्ड हो जाएंगे। एक एडवांस जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी जहां पे अच्छा मार्जिन, सबसे अच्छा मार्जिन है, और जहां पे वर्ल्ड क्लास इनकम शुरुआत होती है। तो आगे चलते हैं, जो पहली इनकम की बात करता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेल इनकम। रिटेल इनकम की बात करूंगा, जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन हुए, आपको कंपनी पहले ही दिन से आपको लगभग 20% का मार्जिन देना शुरू कर देती है। उसके बाद आता है स्पेशल डिस्काउंट, वो आपका लगभग सिल्वर कार्ड से शुरू होता है जो कि 5% होता है, गोल्ड में 8% होता है, और प्लैटिनम में लगभग 15% होता है। और ऐसे ही कैशबैक आपका शुरू हो जाता है जो कि सिल्वर और गोल्ड में लगभग 10% रहता है और प्लैटिनम में लगभग 15% रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक कंपनी की पेस्ट की बात करूं ऑरिगेयर की, उसकी जो MRP है वो है 186 रुपीज। अगर ये पेस्ट अगर आप एज अ ब्रॉन्ज कार्ड परचेज करके खरीदते हैं तो आपको 149 रुपीज का पड़ता है, लेकिन अगर आप सिल्वर कार्ड बनके उसको रीपर्चेज करते हैं तो 135 रुपए का बनता है। आप गोल्ड कार्ड बनके उसको रीपर्चेज करते हैं तो आपको 131 रुपए का पड़ता है, और अगर आप प्लैटिनम कार्ड करके इसको रीपर्चेज करते हैं तो 117 रुपए का पड़ता है। आप बताओ कितना सस्ता हो गया प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नैपकिन की, तो एक नैपकिन लगभग 160 रुपए की MRP कॉस्ट करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कम से कम आपको लगभग 100 रुपए पड़ जाता है, कितने पे? प्लैटिनम पे। तो फटाफट अपने आप को प्लैटिनम कीजिए। या आप देख सकते हैं हमारा ब्रेसलेट है 6306 रुपए की इसकी MRP है, लेकिन अगर आप प्लैटिनम बन गए, आप रीपर्चेस करते हैं तो आपको लगभग ये 4585 रुपए का पड़ता है, लगभग 2 से 2500 रुपए का प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये मतलब पहली इनकम है जो आपके ऊपर है। मैं कहता हूँ आज आपने ब्रेसलेट, मैं कहता हूँ डेली के एक ब्रेसलेट शुरू कर दिया लोगों को देना, तो आप सोचना 2000 अगर डेली के बनने शुरू हो जाए तो कितने होते हैं? 60,000 रुपए होते ही नहीं होते। मैं कहता हूँ 10 दिन नहीं बिके तो भी कितने आते? 40,000 रुपए आप रिटेल की इनकम कमा सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने सिर्फ 10 दिन ही बेके तो भी 20,000 रुपए कहीं नहीं गए। ये रिटेल इनकम है जो पहले दिन से शुरुआत होती है आपके ऊपर। दूसरी इनकम की बात करता हूं जो कि होता है स्पॉन्सरिंग, डायरेक्ट इनकम जिसको हम बोलते हैं। जब आप किसी को भी अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हैं, अपने स्पॉन्सर करते हैं, तो उसमें कितना बेनिफिट होता है वो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, लेट सपोज आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं ब्रॉन्ज कार्ड से, ब्रॉन्ज कार्ड में लगभग 10% का स्पॉन्सरिंग इनकम है। आप ये समझना आप ब्रॉन्ज है, आपने किसी को भी ब्रॉन्ज किया तो लगभग आपको एक ब्रॉन्ज करने के 660 रुपए बनते हैं। वहीं पे अगर आपने दूसरा ब्रॉन्ज भी किया तो आपको 660 फिर बन गए डायरेक्ट का। और लगभग कंपनियां एक और इनकम देती है जो कि लगभग आपको 1848 रुपए बनता है। वही काम अगर आपने गोल्ड, लेट सपोज आप ब्रॉन्ज है लेकिन आपके साथ कोई ऐसा शख्स आपके साथ कनेक्ट किया जो खुद को गोल्ड बनाएगा, अगर उन्होंने गोल्ड किया तो आपका मार्जिन तो 10% है, लेकिन वो गोल्ड से आए तो आपका जो डायरेक्ट इनकम है कितना है? 2640 रुपए। वहीं पे अगर दूसरा गोल्ड आ गया उससे भी 2640 रुपए, लगभग 7312 रुपए आप वहां पे कमा सकते हैं। आप ब्रॉन्ज हो, नीचे वाले ब्रॉन्ज भी हो सकते हैं, नीचे वाले गोल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना आपको एज अ गोल्ड करके काम किया, आप गोल्ड है, काम उतना ही है, मेहनत उतनी है, और दो लोगों को अगर ब्रॉन्ज किया तो कितने बनते? 3036 रुपए। वहां पे कितने बन रहे थे? 1838, सीधा डबल। और इसके अलावा अगर आप गोल्ड है, नीचे दो लोग गोल्ड होते हैं तो कितना बनता है? लगभग 12,100
44 रुपए। और यही काम अगर प्लैटिनम प्रीमियम कार्ड पे कर लिया आपने तो प्लैटिनम पे लगभग 2 ब्रोंज के होते हैं 2366 रुपए, वहीं पे 2 गोल्ड होते हैं तो 13,464 रुपए आप बना सकते हो। और यह हर हफ्ते अगर आपने काम कर लिया तो लगभग आप लगभग कितना आप कमा सकते हैं, लगभग 50,000 रुपए आप डायरेक्ट की इनकम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारी थर्ड इनकम है जिसको हम मैचिंग इनकम बोलते हैं और बहुत ही पावरफुल इनकम है ये। सिर्फ 2 की पावर है। आप ये समझना कि अगर आपने अपनी लाइफ में जितने भी अपने कनेक्शन है, जितने भी आप लोगों को जानते हैं, अगर आपने उन सब में से, क्या हमारे पास 2 ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे जो हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं? सिर्फ 2 लोगों को तलाश करनी है ढंग के, सिर्फ 2 लोगों को। अगर आपको वो 2 ढंग के लोग मिल गए, अब ये 2 लोग कितने टाइम में मिलते हैं वो आपके ऊपर है। हो सकता है आप सिर्फ 1 दिन में बना दो, हो सकता है आप 1 हफ्ते में कर दो, हो सकता है आप 1 महीने में कर दो, हो सकता है आप 1 साल में कर दो, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। बट सिर्फ 2 लोगों की पावर से आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और डिपेंड आप पे करता है, आप कहीं से भी शुरुआत करो लेकिन सिर्फ कदम बढ़ाओ। मैं कहता हूं सिर्फ छोटे से छोटा, अगर आप अपने कार्ड को सिर्फ ब्रोंज कार्ड से भी शुरू करते हो, ब्रोंज कार्ड का मतलब है अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 10,000 का बिजनेस से शुरुआत करनी है। और 10,000 की क्या पावर है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपने 10,000 से बिजनेस को शुरू किया, अपने आपको ब्रोंज किया, आपके पास मैं कहता हूँ पूरा 1 महीना होगा और उस 1 महीने में आपने सिर्फ अपने लिस्ट में से 2 लोगों को ब्रोंज करना है। क्या करना है? 2 लोगों को ब्रोंज करना है। क्या होगा? नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपको कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, आपको कंपनी के आपने प्रोडक्ट यूज किया आपको वो अच्छे लगे, आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप कॉन्फिडेंट है, आपने जिनको बताया अपने कॉन्फिडेंस के साथ, क्या वो 2 लोग जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे अगर कॉन्फिडेंट है हम। मैं कहता हूं अगर 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया पहले महीने में तो कितने का पे आउट आया? 1,848 रुपए। वही काम जिनको हमने जोड़ा था उनको ट्रेन सिखाना भी है और उनके साथ मेहनत भी करनी है और उनको भी यही समझाना है जो अभी आपको समझाया गया है। अगर उन्होंने भी सिर्फ 2 लोगों को कनेक्ट किया तो कितने आते हैं? 1,056 रुपए आपको, मतलब दूसरे महीने का पे आउट कितना आया? 1,056 रुपए। ऐसे ही तीसरे महीने वो भी आगे सिर्फ 2 लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो तीसरे महीने कितना आ रहा है? 2112 रुपए। चौथे महीने 4224 रुपए। पांचवे महीने 8448 रुपए। आप सुना, पांचवे महीने तक सांस निकल जाती है कि छठवे महीना आ रहा है और छठे महीने पे क्या आती है? 16,000 रुपए। छठवे महीने तक सांस निकल जाती है या 6 महीने इतनी दबा के हमने मेहनत की, कितना आया? 16,000 रुपए। लेकिन पावर मैं बताना चाहूंगा छठवे महीने के बाद शुरू होती है जब सातवां महीना आता है। सातवें महीने में लगभग 33,000 रुपए बनते हैं। आठवें महीने पे कितना है? लगभग 60,000 रुपए। नौवे महीने में 1,35,000 रुपए। दसवें महीने में 5,00,000 रुपए। ग्यारहवें महीने में आप देख सकते हैं ग्यारहवें महीने में 5,00,000 रुपए। बारहवें महीने में लगभग 10,00,000 रुपए। और तेरहवें महीने में जाके लगभग महीने का कितना पे आउट बनता है? 13,20,000 रुपए। पहले के 6 महीने और आखिरी के 6 महीने कितना डिफरेंस था? ह्यूज डिफरेंस। तो वही चीजें, जब आप काम स्टार्ट करोगे पे आउट थोड़ा कम लगेगा लेकिन मेहनत डबल कर दोगे तो पे आउट पता नहीं चलेगा। और मैं कहता हूँ ये 13वें महीने में, आप सोचो हर महीने 13,00,000 रुपए अकाउंट में आए, लगाया क्या 10,000 रुपए, मजा आएगा नहीं आएगा? आप बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है? हर बिजनेस में लाखों लगाओ तो जाके 1,000 कमाते हैं, करोड़ों लगाओ तब जाके आप 1,00,000 कमा सकते हो। यहाँ पे है कि आप सिर्फ हजारों से शुरू करते हो और लाखों करोड़ों तक का दम रखते हो कमाने का। और यही काम अगर प्लैटिनम बन के कर लिया तो आपको, बहुत लोगों में खुश भी होती है, नहीं यार हमें तो दिखा ही नहीं, छठे महीने तक सांसें नहीं चल रही। मैं कहता हूँ प्लैटिनम से शुरू करो ना, प्लैटिनम के साथ काम करो। आप प्लैटिनम में आपने लोगों को मार्केट में गए, आपने उनको समझाना शुरू किया 2 लोगों को, आप सुना पहले महीने 13,000, दूसरे महीने 11,000, तीसरे महीने 23,000, चौथे महीने 46,000, ऐसे 90, 81, 83, 87, लगभग 9वें महीने में आप 13,20,000 रुपए कमा सकते हो। और आप समझना सिर्फ 3 महीने लगेगा कि यार 13, 11 और 23 तक, लेकिन 40,000 तो अच्छी इनकम हो गई। फिर कौन से महीने में? चौथे महीने में। तो ये है पावर कि आपने डिसाइड करना है कहाँ से शुरू करना है। अगर आप कैपेबल है सेलेक्ट फ्रॉम द गोल्ड कार्ड, अगर आप कैपेबल है आप प्लैटिनम कार्ड से शुरुआत कीजिए क्योंकि बिजनेस है। आज बिजनेस में लाख, आप बताना कि कौन सा बिजनेस है, हर बिजनेस में ना ना करते हुए 1,00,000 रुपए लगाने पड़ते हैं। 1,00,000 रुपए तो चाहिए हर बिजनेस के लिए, चाहिए नहीं चाहिए?
हर जगह चाहिए। तो ये वो बिजनेस है जो मात्र सिर्फ 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं, और 10,000 से क्या फायदा है कि लगभग आप हफ्ते का 52,000 रुपए कमा सकते हैं, महीने का 2,00,000 रुपए, और सालाना बनता है 25,00,000 रुपए। सिल्वर पे लगभग 1,00,000 रुपए हफ्ते का बनता है, 4,00,000 रुपए महीने का बनता है, और 50,00,000 रुपए सालाना। और वहीं पे अगर आपने गोल्ड से डिसाइड कर लिया कि आज से नहीं मेरे को गोल्ड बनना है, गोल्ड में लगभग 2,00,000 रुपए आप हफ्ते का कमा सकते हैं, 8,00,000 रुपए महीने का, और लगभग 95,00,000 रुपए सालाना आप कमा सकते हैं। और प्लैटिनम कार्ड में 3,30,000 रुपए आप हफ्ते का कमाते हैं, 13,20,000 रुपए आप महीने का कमाते हैं, और 1,58,40,000 रुपए आप सालाना कमा सकते हैं। सिर्फ पावर है, सिर्फ दो की शक्ति, सिर्फ दो लोगों को, अपने जैसे दो लोगों को खड़ा करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। जब वो कॉन्फिडेंस अगर आप दे दोगे तो आप समझना आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये पावर है मैचिंग इनकम की। फिर हम आगे चलते हैं, चौथी इनकम है हमारी ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस की खासियत ये है कि जब यहाँ पे आप जो कर रहे हो उसका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपने जब आप समझना कि जब आप दो लोगों, आगे स्लाइड चली गई सर, कोई नहीं, जब आप यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, जब आपकी टीम में लोग भी पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी उनका भी लगभग कुछ परसेंटेज, जैसे कि सिल्वर में 2 लेवल पे 5% कंपनी अलग से देती है उनकी इनकम का, मैचिंग इनकम का, ऐसे ही गोल्ड में 3 लेवल, प्लैटिनम में 4 लेवल। 4 लेवल में जितने भी लोग होंगे उनकी इनकम चाहे 1,00,000 हो, 1,00,000 हो, या 10,00,000, कुछ भी इनकम हो, उनकी इनकम का, उनकी कमाई का, मैचिंग बोनस का आपको लगभग 5% कंपनी अलग से देती है। तो ये ट्रेनिंग इनकम है, और ये आप देख सकते हैं पावर ऑफ टीम है। सिर्फ करना क्या है, फिट कर लो 20 लोग राइट, 20 लोग लेफ्ट। और मैं कहता हूं बिजनेस की ये पावर है, लेट सपोज आपने काम करना है 20वें फ्लोर पे सिर्फ आपने एक बंदे को खड़ा किया जिससे सिर्फ 100 बीवी आपने क्रिएट किया। 100 बीवी का मतलब है अगर आपने 20वें फ्लोर पे 21वें फ्लोर पे अगर आपने 100 बीवी क्रिएट किया, तो आप समझना सबको उसकी मैचिंग, मतलब 19वें वाले को जो 19th पर्सन है उसको अगर मैचिंग करनी होगी तो कितना करेगा वो 100 बीवी। ऐसे 18 वाले के लिए 200 बीवी एक साइड है, 100 बीवी वो फिर मैचिंग करेगा। अगर हर बंदा सिर्फ 100 बीवी की मैचिंग करता है तो लगभग 2,000 बीवी जनरेट होता है, राइट में भी लेफ्ट में भी। और आप सुना 11% कितना बनता है, लगभग 14,520 रुपए तो आपको मिनिमम बनता है। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, जो पहले फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पे जो बंदा होगा उसके नीचे मैं कहता हूँ लगभग 1,800 बीवी का एक्स्ट्रा हो गया बिजनेस। तो ये एक पावर है कि अगर आप टीम के साथ डेप्थ में काम करते हो तो उसका जो बेनिफिट है आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप ले जाते हैं। आगे हम चलें, ऐसी पांचवी इनकम है जो जूनियर लेवल बोनस है। ये भी एक टाइप का स्पेशल बोनस है, और मैं बताना चाहूंगा इसका बहुत बड़ा फायदा है। सिर्फ 20 बीवी का खेल है जो लगभग आपका 2,000 से 3,000 रुपए का कॉस्ट करता है, कि आपको शॉपिंग करनी है 2,000 से 3,000 की हर महीने। अब लग रहा होगा माइंड में कि यार मतलब इतना खरीदना पड़ेगा हर महीने, तो डाउट हो रहा होगा। मैं कहता हूँ सीधा कैलकुलेट करते हैं ना, कि अगर आपको मैं कहता हूँ ना ना करते हुए भी 3,000 रुपए महीने का सामान लेना है एक साल तक, कितना रुपए लगते हैं आसाना, लगभग 36,000 रुपए आप परचेज करो एक साल में, 2 साल में लगभग आपका 72,000 रुपए, 3 साल में मैं कहता हूँ लगभग 1,00,000 रुपए, 3 साल में आप 1,00,000 का माल कंपनी से परचेस करोगे। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ कि लेट सपोज आपने सिर्फ 2 ही टीमों में काम किया, और 2 टीमों में जब आपने काम किया, आज सुनना वहां पे मैंने कितना लेवल, वहां पे 12वां लेवल दिखाया था, वहां पे अगर प्लैटिनम में हो तो भी मैंने 9वां लेवल दिखाया था। अगर यहाँ पे आपने 10 लेवल तक काम किया, और हर इंसान अपने घर की अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से सिर्फ परचेज कर रहा है, तो आप समझना ये सर 10 लेवल की इनकम है। 10वें मतलब 11वें लेवल पे भी आप 84,000 हर महीना, अगर मैं कहता हूँ एक साल भी हर महीने 84,000 रुपए शुरू हो जाए, कोई बुराई है? कितने लगाए थे एक साल में, सिर्फ 36,000 रुपए प्रॉफिट है या लॉस है? और ये काम अगर 4 टीमों में कर दिया, क्योंकि हर महीने 2 से 3,000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मरे से मरे अभी हम वैसे ही करते हैं, राशन पानी में कहीं ना कहीं लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये काम अपने एज अ बिजनेस, ऐसा जैसे हम गॉड को मानते हैं ना, भगवान को मानते हैं, जो पता होता है ट्यूसडे तो ट्यूसडे हम हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर आपने फिक्स कर लिया नहीं यार मेरे को करना है, और अपनी टीम के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर ये काम 4 लाइनों में हो जाता है तो लगभग 10वें महीने 5,55,00,000 हर महीना की इनकम आप जनरेट कर सकते हो। और 6 लाइनों में हो जाए तो जरा इनकम आप पढ़ के देखो और खुद पढ़ के देखो क्या लिखी है।
लगभग 72,70,39,700 रुपए। आप सोचो अगर इस 72 करोड़ का 0.1% भी आ जाए, क्या किया था, हर महीने सिर्फ 3,000 का परचेज किया था। और क्यों, शॉपिंग अपने अकॉर्डिंग, वो आप अपने ऊपर यूज करोगे, कुछ बेच दोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो मैं कहता हूं आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सर, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो है परचेजिंग, रीपरचेज की पावर है, रीपरचेज। अगर हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की परचेजिंग अगर हमने कर ली, हमारी टीम ने कर ली, तो ये अनबिलीवेबल इनकम सिर्फ क्या कंपनी के पास ही है। कोचिंग बोनस और यूनि लेवल बोनस किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है हिंदुस्तान में, इवन दुनिया में भी। इतना यूनिक है सर। और ऐसे ही हमारी जो छठवी इनकम है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इसे बोलते हैं, इसका ये बेनिफिटेड है। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है वैसे वैसे आपका मार्जिन बढ़ता है। जैसे ही प्लैटिनम 5 स्टार थे तो 15% का आपका कैशबैक था, उसी के अकॉर्डिंग 6 स्टार में 20 है, 7 स्टार में 25 है, 8 स्टार में 36% है, अप टू 42% का मार्जिन कंपनी आपके साथ शेयर करती है, जिससे कि आपके लिए प्रोडक्ट क्या है और सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर आती है सातवीं इनकम, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी की अगर मैं बात करूंगा, इस इंडस्ट्री में आज पूरी दुनिया में अगर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसके जो छींटे आपको आने शुरू हो जाते हैं जब आप इस कंपनी में लायंस रैंक पे पहुंच जाते हैं। लगभग ब्रोंज लायंस से ये शुरुआत होती है इसकी, ब्रोंज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन, डायरेक्टर, ऑनररी डायरेक्टर, मतलब स्टार गोल्ड लायन, ऑनररी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ऑनररी डायरेक्टर। तो यहाँ पे कंपनी आपके साथ शेयर करती है और ये मतलब एक कहते हैं ना, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको पैसा मिल रहा है। ये वो इनकम है कि आप घर में सोए हुए हो, कहीं दूसरी कंट्री में कहीं ना कहीं सुबह हो रही है, वहां पे कोई ना कोई सप्लीमेंट, कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई कुछ कंपनी का यूज कर रहा है, उसके यूज करने का भी आपको मिलता है। क्योंकि हमारा ग्लोबल, हमारा एक सिंबल भी हम बोलते हैं, कहते हैं वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये परिवार की एक पावर है कि यहाँ पे कंपनी आपको एज शेयर होल्डर ट्रीट करती है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर ट्रीट करती है, जो कि एज अ रॉयल्टी फॉर्म में आपको कंपनी रॉयल्टीज देती है। नेक्स्ट सर, हम आगे चलते हैं। फिर आठवां रिवॉर्ड है, जो कि होता है कार रिवॉर्ड एंड हाउस फंड, जिसको हम बोलते हैं कार और घर। तो इसके लिए लगभग, अगर मैं गाड़ी की मैं बात करूं तो गाड़ी के लिए कंपनी ने फिक्स कर रखा है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ज्वाइन करेंगे, कंपनी ने क्लियर उसमें है कि आप कंपनी से $30,000, लगभग कितना होता है 19,80,000 रुपए, कंपनी आपके नाम की FD बना देती है। सिर्फ आपको रैंक पे पहुंचना है, चाहे 1 साल में लो, 2 साल में लो, 3 साल में लो, 4 में लो या 5 में लो, कोई इश्यू नहीं है। और वहीं पे आप समझना, ऐसे ही कंपनी ने हाउस फंड रखा है जो कि 1,12,00,000 रुपए। सोचो FD है, तो ये पावर है कंपनी की और यहां से आप अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नाइन्थ होता है हमारा फ्री, कहते हैं ना इस इनकम को हम बोलते हैं फ्री वर्ल्ड टूर। यहाँ जितने भी पैनल में लोग हैं, कितने लोग हैं जो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, अपना हेलो जरूर भेजना मैसेज में। आसो ना सभी जाना चाहते होंगे, लेकिन लिख के जरूर भेजना ताकि पता चले कि कौन इंटरेस्टेड है जाने में। तो आप ये समझना, यहाँ पे आप पूरी दुनिया आप घूम के आ सकते हैं। मेरे को लगभग 5 साल में 15 कंट्री, लगभग 3 की एवरेज के मैं बात करूं तो 3 की एवरेज होती है। तो अभी मेरे को पता है कोरोना टाइम था, नहीं तो अभी भी हम 3-4 कंट्री तो वैसे ही होके आते। तो ये पावर है कि आज आपके पास वो टाइम है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप जिंदगी में जो पैसा जो सोचा नहीं था वो कमा सकते हैं, आप जिंदगी की जो लाइफस्टाइल जो आपने नहीं सोची थी वो आप अर्न कर सकते हैं, एज अ ब्रांड आप रन कर सकते हैं। और इस कंपनी का फायदा आप सोचिए कि यहाँ पे कंपनी आपको जो बेनिफिटेड देती है, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आप जब भी काम करेंगे, जो इसका पहला पॉइंट है सेल्स एक्यूमुलेशन, हम उससे बोलते हैं कि जब भी आप कंपनी में काम करेंगे, आपकी लोग काम करेंगे, तो आपका बिजनेस प्लस होता है, कभी जीरो नहीं होता है। दूसरा है हमारा नो डिमोशन आपके बच्चों के लिए। मेन तो फीचर यह है कि आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे हो वहीं से आपके बच्चे आगे काम करेंगे। नहीं तो हर काम में, हर बिजनेस में, हर नौकरी में बच्चे को आपके जीरो से करना पड़ता है। यह जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिटेड है। और बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके के हमारे प्रोग्राम्स, सर की फोटो आई गई है,
आप देख सकते हैं लाल गाड़ी बिल्कुल चमक रही है, और ऐसे ऐसे फंक्शंस, टूर्स, सेमिनार्स, ये हमारे वन ऑफ सीनियर लीडर हैं। आप देख रहे हैं ये गाड़ी, देखिए आप, लगभग इसकी कॉस्टिंग ही 2 करोड़ से ऊपर की है। आप सोचो, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो लोग है जो इसको चला रहे हैं, ऐसे गाड़ी बांटी जाती है। ये लाइव पिक्चर है, कोई एडिटेड पिक्चर नहीं है। आप समझना कि ये कंपनी के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये हमारे कंपनी के फाउंडर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, उनके साथ हमें मौका मिला है काम करने का एज अ पार्टनर। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे शोज, फंक्शंस, मीटिंग्स, ये सारी चीजें। आप सोचिए, आप गाड़ी अचीव कर रहे हैं, आप उस स्टेज पे और हजारों लोग आपको देख रहे हैं, कैसा फील करेंगे। तो ऐसा कंपनी आपको प्लेटफॉर्म देती है। हो सकता है जिंदगी में आज तक कोई प्लेटफॉर्म ना मिला हो, तो ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, एज अ मनी, एज अ ट्रिप, एंजॉयमेंट, रॉयल्टी, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, आप सब ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया की फोटो है, कहीं बाहर की नहीं है। ये ऐसे ऐसे सेमिनार्स, मीटिंग्स, फंक्शंस आज हर स्टेट में, हर सिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो चुकी है। आप नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया कर रही है। आप देख सकते हैं यंग जनरेशन लगी हुई है, यंग ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बिल्कुल एनर्जी के साथ ऐसे ऐसे फंक्शन सर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाते हैं। जब आप ग्रो करते हैं 5 star, 6 star, 7 star, 8 star, हर रैंक पे आपके सर्टिफिकेशन है। और सिंपल लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ डिसीजन लीजिए, सिर्फ पावर है डिसीजन की। आज अगर आपने आप पे बिलीव करके, क्योंकि आज अगर बिलीव ये होता है ना कि लाइफ में कुछ करना अगर अंदर से है, तो डिसीजन लीजिए कि हाँ करके देखो, क्योंकि बिना करे नहीं पता चलेगा। और मैं बता रहा हूँ, जब आप करना शुरू करोगे तो पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हाँ आई कैन डू इट। तो थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और होपफुली मेरे को लगता है कि मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ समझा पाया हूँ। और बिल्कुल आखिर में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट में हमने एक स्लाइड देखी जिसपे आईडी नेट है, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, ये हमारा सिस्टम है, सिर्फ इसको फॉलो कीजिए। अक्सर लोग पजल्ड है, अक्सर लोग फेल है, क्योंकि वो 10 चीजों को एक साथ करते हैं। मैं कहता हूँ एक को पकड़ लो, उसी में आसो ना वारे न्यारे हो जाएंगे। तो हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो लाइफ को चेंज किया वो इस सिस्टम की वजह से था, इस सिस्टम की ट्रेनिंग की वजह से था, जिसकी वजह से आज शेखर बोरा एक शेखर बोरा है। तो वही है आप सभी से कि अगर आप चाहते हैं लाइफ में, नहीं मेरे को बढ़िया करना है, बेस्ट करना है, इन ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को सीरियस लो, मैं कहता हूँ पहले सिर्फ 6 महीने लगा लो, अगले 6 महीने आपको रिजल्ट दे देंगे, उसके आगे की सोचनी नहीं पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी का साथ मिला, और आई रियली थैंकफुल टू पाल सर की जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी बताई, समझाई, मेरे को समझ में आया। और रियली थैंकफुल टू गॉड, टू पेरेंट्स की, जिनकी वजह से आज एक डिसीजन, क्योंकि आप ना एज अ बच्चा, कोई आज आप हो सकते हैं कि आप मुझसे अच्छी एज के हो, आप मुझसे अच्छे एक्सपीरियंस के हो, बट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब डिसीजन लिया था, जब मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैंने तब डिसीजन लिया था जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आप सोचना, मैंने सिर्फ लिया कि यार करके देखते, देखी जाएगी, अगर होगा तो बढ़िया होगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-20-50 हजार की नौकरी तो मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये सेट कर लिया होता, नहीं यार 10-20-30 ही चाहिए, तो जिंदगी भर मेरे को लगता है कि वो 10-20-30 ही होते, वो 1 लाख 3 लाख जो सर ने बताया ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो कभी जिंदगी में नहीं होता, गाड़ी जिंदगी में नहीं होती, टूर तो दूर की बात है, फ्लाइट में पूछो मत ना, फिर ज्यादा निकलता है। तो आप सोचिए कि सिर्फ बिना सोचे समझे का डिसीजन होता है, कि आप सोचो, अगर आप अपने आप को फिर समझदार मानते हैं, तो दैट मीन्स कि मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और होपफुली मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ समझाया होगा और उन्हें समझ आया होगा। अल्टीमेट बहुत जबरदस्त शेखर जी, आपने 4 चांद लगा दिए प्रोग्राम में, और आप बिल्कुल सिस्टम को कॉपी कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और आप उन कुछ लीडरों में से हो जो इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है हम सब लोगों के लिए कि जो आईडी नेट सिस्टम है, इस सिस्टम की खास बात अगर मैं बात बताना चाहूँगा आपको, कि आईडी नेट सिस्टम की खास बात यही है कि अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे तो बहुत सारी इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर लिए हैं, और आज आईडीनेट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। आईडीनेट सिस्टम के जो लीडर हैं, इथिकल लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं,
आईडीनेट के जो लीडर हैं वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो अपनी टीम के साथ में जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे चल रहे हैं, टीम वर्क में विश्वास करते हैं और ड्रीमर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं दे आर लीडिंग देमसेल्फ। आप सब लोग लीड कर रहे हो इस टाइम टीम को, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी खुशनसीबी है, खासतौर से मैं अपनी बताना चाहूँगा, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो वाकई में मेरे से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, दमदार हैं और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान का थैंक यू कहता हूँ, थैंक्स गॉड कि उन्होंने मेरे को इतने आशीर्वाद दिए हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का, मैं अपनी फैमिली का थैंक्स कहता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली से सपोर्ट रहा, फिर मेरे सीनियर का सपोर्ट रहा और जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो जाने अनजाने में छोड़ के चले भी गए, है ना, उन सब का भी धन्यवाद है, क्योंकि ओल्ड फ्रेंड का भी धन्यवाद, न्यू फ्रेंड का भी धन्यवाद। और हमें यही सिखाया गया है, ऑलवेज थैंक्स। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का जिनकी वजह से हम इस लेवल पे हैं, और सभी के लिए मेरी दुआएं हैं, जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी और जो नहीं उनके लिए भी, कि ईश्वर उनको खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे और इस बिजनेस के माध्यम से हम सब लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलें, आने वाले समय में हम हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने में अपना योगदान देंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि कहते हैं कि जिस सियांस के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इतने शानदार हैं, इतने ज़बरदस्त हैं हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। तो मैं जब बिजनेस में आया था तो मुझे सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और जब आप किसी प्रोडक्ट से प्यार करते हो ना और बाई चांस आपको बिजनेस करने का भी मौका मिल जाए तो दोस्तों फिर बिजनेस नहीं होता है, फिर बिजनेस ही होता है। और वही हमारे साथ हुआ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे स्टार्टिंग में ही, और प्रोडक्ट से प्यार हो गया, और जब प्रोडक्ट से प्यार हो गया तो फिर बिजनेस से प्यार हो गया। और प्रोडक्ट में भी यकीन करना, ये कॉर्डिसेप्स मेरा जो है, मेरी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है, कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेप्स जब मैं इस बिजनेस में आया था, आज तक 40-45 प्रोडक्ट हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो 7-8 प्रोडक्ट थे, उन 8 प्रोडक्ट में BCM मशीन नहीं थी। आजकल जो हमारे हीरो हैं वो BCM पे फ्लांगे मार रहे हैं, मोटा वॉल्यूम है। बस बता रहा हूँ दोस्तों, 2 साल बाद, जब मेरे को 2 साल हो गए इस कंपनी में तब BCM आई थी, आज से 15 साल पहले लगभग। तो मेरे पास क्या आया था, सबसे पहले कॉर्डिसेप्स का चमत्कार देखा था मैंने, क्योंकि कॉर्डिसेप्स का जो चमत्कार है ना, यकीन करना अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। जो हजारों लाखों रुपए खर्च के भी डॉक्टर के पास, वो आपको इलाज नहीं कर सकता है, वो आपकी बॉडी को फायदा नहीं दे सकता है जो ये कॉर्डिसेप्स करता है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है। नॉर्मली अगर आप एक सुबह एक शाम ले लो या एक टाइम में 2 ले लो, नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल हेल्थ के लिए। लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में, ए से लेकर जेड तक, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को क्या, कुछ भी XYZ, 2 सुबह 2 शाम ले लो और 2-4 महीने बाद में रिपोर्ट दो, क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर चमत्कार हो रहा है, चमत्कार, इस चमत्कार का नाम है कॉर्डिसेप्स। कुछ लोग सोचते हैं महंगा है, दोस्तों दुनिया में महंगा कोई चीज नहीं है, महंगा सिर्फ ये है कि आपके जेब में पैसे नहीं है इसलिए चीज महंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अमीरों को सस्ती लगती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी को सस्ती लगती है लेकिन बहुत गरीब लोगों को बहुत महंगी लगती है। सेम कहानी इसकी कॉर्डिसेप्स की, कि कॉर्डिसेप्स कोई महंगा नहीं है। क्या अभी तक खा के देखा है कॉर्डिसेप्स, अपनी वाइफ को, खुद को, हस्बैंड को खिला कर देखा है, अपनी मम्मी को दिया है, अपने पापा को दिया है? अगर नहीं दिया है, गिफ्ट में दीजिए इस दिवाली में, और गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा। इस बार जब दिवाली में गिफ्ट दोगे ना आप, कॉर्डिसेप्स गिफ्ट देना, बढ़िया सा पैक करके डब्बे में। कॉर्डिसेप्स ने जिंदगी बदली, सीटोसन ने जिंदगी बदली,
अगर आपको वजन कम करना है तीन तीन चार चार भी ले सकते हो इसके आप, तीन सुबह तीन शाम को या चार सुबह चार शाम को। चिटोसन, चिटोसन अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो, अगर नहीं है तो दो दो ले लो चलेगा, अगर कोई भी चैलेंज है तीन तीन चार चार ले लो इस टाइम में, और दो तीन महीने यूज करके देखो चिटोसन का चमत्कार। ऐसे नहीं बोला गया लाइफ एलिमेंट, और फ्लू लेना सबका पापा, आप समझ गए, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट फ्लू लेना सिर्फ सियांग कंपनी के पास में, बेस्ट फ्लू लेना इस धरती के ऊपर, जिसको स्पेस के अंतरिक्ष यात्री भी खाते हैं। तो ये जो तीन प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैल्शियम, जो अभी आया नहीं है, दस साल पहले तक 2010 तक आता था बाहर से, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने बोला आपको ही बनाना है तो वो फॉर्मुलेशन यहाँ तैयार नहीं हुआ, बट मैं दुआ कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी कैल्शियम भी आने वाला है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ अभी क्लोजिंग के टाइम में, दोस्तों इन प्रोडक्ट को खाना शुरू कर लो। जो शेखर ने बताया ना 2000 रुपए के कंजम्पशन, 2000, 4000, 5000, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी आईडी में, आप अपनी आईडी में 10000 रुपए का सामान लेने की सोच रहे होंगे, 20000 के लोग या 40000 की, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड से शुरू करोगे ना आप, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने भी ऐसे शुरू किया था। आज मेरी आईडी में मोर देन 40 लाख की परचेजिंग हो चुकी है, 40 लाख रुपए का सामान ले चुका हूँ मैं त्याग से अपनी एक आईडी पे, और मैं बता रहा हूँ मोर देन 50% वो खा चुके हैं हम अपने परिवार में, कम से कम 20 लाख का तो हम खा चुके हैं। सोचिए तो जब पैसा आता है ना तो खाने में भी सस्ता लगता है, सब कुछ सस्ता लगता है, लेकिन किसी टाइम में हमको भी बहुत महंगा लगता था, ये सब महंगे लगते थे, शीशियां महंगी लगती थी, लेकिन हमें पता लग गया यहीं से पैसे कमाएंगे ये सब सस्ता हो जाएगा। तो आपके लिए भी यही मेरी दुआ है कि आप अभी खाना शुरू कर लो तभी पैसे आएंगे, ये नहीं जब आएंगे तब खाएंगे, कैसे आएंगे, खाया तो है नहीं, बताएंगे कैसे, सामने वाले पे असर कैसे होगा, जिस कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ ना, क्योंकि इसके रिजल्ट है, ऐसे ऐसे लोगों पर रिजल्ट है जो चमत्कार इसके बोलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती कंपनी, कंपनी कभी क्लेम नहीं करती है कि ये बीमारी ठीक कर देगी वो कर देगी, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, कोई दवाई नहीं है, दीज ऑल आर फूड सप्लीमेंट। तो दोस्तों इतना बताना चाहूंगा फूड सप्लीमेंट, जब आप अच्छा खाना खाओगे तो हमारे शरीर के अंदर चमत्कार होता है, तो ये बेस्ट फूड है। बढ़िया पानी पीजिए, हाइड्रोजन ग्लास का मशीन यूज करिए, सप्लीमेंट खाइए और टारगेट बना दीजिए करना किस लिए है, और जो कल ट्रेनिंग दिया था ना शार्क वाली उस पर फॉलो कर लीजिए। तो कल शाम को हमारा प्रोग्राम होगा जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, कल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है और एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है, तो कल शाम को ठीक 6:45 पर एंट्री करिए, ठीक है, कल शाम को हम फिर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप और आपकी टीम अपना फायदा उठा रही होगी, अपने आप को ग्रो कर रही होगी, अपने आप को लर्न कर रही होगी, क्योंकि इस दुनिया में कामयाब सिर्फ वही इंसान है जो सीखता है। अगर आज मैं आपको खड़ा कर दूँ इस प्रोग्राम में कि आइए प्रेजेंटेशन दीजिए, क्या आप दे सकते हैं, क्या आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, मैं कल को आपका नाम लेके बोलता हूँ आप प्रोग्राम शुरू करो, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, आप क्या बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, क्या आप प्रोडक्ट समझा सकते हैं। मैं पिछले 8 महीने से इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, 8 मंथ से, आप सोचिए रेगुलर, आप क्या रेगुलर कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो जब मर्जी खड़ा कर दो आपको, आप बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप करते हो, जो करता है ना उसको कभी भी खड़ा कर दो, जिसको गाड़ी चलानी आती है जब मर्जी बिठा दो गाड़ी में चलाना शुरू कर देगा, लेकिन जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है बहाना मारना आता है, अरे सर मैं तो प्लान नहीं दिखा सकता, अभी मैं प्रोडक्ट नहीं समझा सकता, अभी मैं समझा ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता, कर क्या रहे हैं फिर, इसका मतलब क्या है, हम जीरो पे थे, जीरो पे हैं, अगर हम जीरो पे हैं तो दोस्तों हीरो नहीं बनेंगे, हीरो बनने के लिए हमें हिलना पड़ेगा, कहते ना हिलना तो पड़ेगा, बिना हिले कुछ नहीं होने वाला, कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश का मतलब है एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, जितनी भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, यकीन करना दोस्तों अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया ना, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, बड़ा पार है,
क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, एक से एक लीडर यहाँ आते हैं आपके पास में, एक से एक ट्रेनिंग मिल रही है। बट अगर ज्यादा देर आप ट्रेनिंग लेते रहे तो दोस्तों एक्शन कब लोगे? ज्यादा हर चीज की जो अति है ना, अति हर चीज की ज्यादती है वो खराब होती है। ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, भाई एक्शन कब लोगे? गेस्ट कब लेके आओगे? सब समझा दिया, गेस्ट कैसे लाना है, गेस्ट को कैसे बुलाना है, टीम को ट्रेनिंग कैसे देनी है, टीम को क्या बोलना है, गेस्ट को क्या बोलना है, अपने आप से क्या बोलना है। दोस्तों ट्रेनिंग बहुत हो रही है, अब हमको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन लेंगे तो ही रिएक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जितना भी हम ऑफ द ट्रैक ऑफलाइन मतलब इस पैनल के अलावा भी हम प्रोग्राम करते हैं, जिनमें आप दो मीटिंग चार मीटिंग करते हो, एक मीटिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी ऑफलाइन भी बिजनेस को कर रहे हो, बट ये शाम का जो ऑनलाइन का बिजनेस है हमें इसको और मजबूत करना है। और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि जो आपने सीखा, जहां पे भी कोई कमी है, यूट्यूब में हमने डाउनलोड किया हुआ पाल बी बसनायक ऑफिशियल चैनल है, वहां जाइए, 450 वीडियो लॉन्च कर रखे हैं, 450 वीडियो, सोचिए आप देख नहीं पाओगे, जब तक आप देखोगे ना 450 और आ जाएंगे, जब तक उनको देखोगे 450 और आ जाएंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर तक हम टारगेट बनाकर 1000 वीडियो लोड करनी है। आप सोचो कब देखोगे, कब सुनोगे, कब समझोगे? तो साथ साथ जो है एजुकेशन ट्रेनिंग के साथ एक्शन जरूरी है। बाकी बहुत मजा आ गया, शेखर जी ने, योगराज जी ने और मुकेश जी ने, तीनों ही डेडिकेटेड लीडर हैं, ये समर्पित लीडर हैं, इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है कि ये आज एक रीजन से काम कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में कारण है। किसी को BMW लेनी है, किसी को मर्सिडीज लेनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को अपना रैंक चेंज करना है, इनके कोई ना कोई कारण बन चुके हैं जिंदगी में। ये सुबह उठते हैं तो इनको पता होता है कि आज मेरे को काम किस लिए करना है, क्योंकि इनके पीछे शार्क भाग रही है, ये मछली की तरह भाग रहे हैं, क्योंकि मछली डरती है खा ना जाए शार्क, इसलिए भागती है। तो जब तक शार्क नहीं है ना आपकी जिंदगी में, तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों ने ड्रीम लिस्ट बना रखी है। जो शुरू में कहा था कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं होती तो आप कौन से काम करते, उन 10 काम को लिखिए, आज घर में बैठकर उन 10 पॉइंटों को लिखिए। नंबर वन ये करता मैं, अगर मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होते तो मैं, आप क्या करते 100 करोड़ होते आपके अकाउंट में, आप लगा लो। एक नंबर ये करता, दो नंबर, तीन नंबर, यही ड्रीम है, यही रीजन बन सकते हैं। और बड़ी सोच का बड़ा जादू है, बड़े सपने हैं तो आप फाइट करोगे, और छोटे मोटे सपने हैं तो आप हमेशा कंप्रोमाइज करोगे। आप फाइटर हो या कंप्रोमाइजर हो, आप समझ गए? मेरे ख्याल से आप सभी लोग फाइटर हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम की शान है आप, इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हर रोज कोशिश कर रहे हैं आप। इसीलिए मैं आप सभी को दुआ करता हूँ ईश्वर से, ईश्वर आपको वो शक्ति दे, वो ताकत दे, वो आपके अंदर जज्बा पैदा करे, वो पैशन, वो जुनून पैदा करे, और वो चीजें लिख के करना है, लिखने हैं 10 पॉइंट आज रात लिखने हैं, और कल कल आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, जो आपका सबसे बेस्ट अपलाइन है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आप लर्न करते हो, जो आपके मेंटर हैं, उनसे बात करो एक दो दिन के अंदर कि सर पाल सर ने जो ट्रेनिंग उस दिन बोला था 10 पॉइंट लिखने हैं, तो मैंने 10 पॉइंट लिख दिए हैं। और पर्टिकुलरली कुछ लीडर ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट कनेक्शन में है, मैं तो आपसे पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा आपसे, क्या पूछूंगा, क्या आपके 10 पॉइंट क्या है? और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे लीडर जो मेरे साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्शन में रहते हैं, टाइट कम्युनिकेशन में रहते हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे, आई होप सो। एंड दुआ करता हूँ भगवान आपको ऐसी शक्ति दे, इन 10 पॉइंट को लिखने की शक्ति। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, आपने बहुत सक्सेसफुल किया है। ऐसे ही हर रोज हम अपने धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे, और इस सिलसिले को जारी रखते हुए, एंजॉय करते हुए, और एक दूसरे के लिए सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। आप अपनी जिंदगी में टॉप ऑफ द वर्ल्ड हों, शिखर पर मिलें, शिखर पर मिलेंगे, और खासतौर से त्यांस के बिजनेस में जल्दी से जल्दी अपने नाम के आगे एक स्टार मतलब टॉप लेवल है, स्टार लेवल का टॉप, एक स्टार बनना है। अगर आप एक स्टार बन चुके हो
दिमाग में लगा दीजिए गोल्डन लाइन, चार लाइनों में एक एक एक्स्ट्रा करना है, गोल्डन लाइन बनना है। गोल्डन लाइन बन गया अगर आपने और हमारे सिस्टम को फॉलो कर लिया, जिंदगी बदल गई। उसके बाद डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर आपका सपना होना चाहिए। और मेरी बेस्ट विशेष है, सी यू एट दी एट स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर एस डी, लव यू ऑल, थैंक यू, सी यू टुमारो इवनिंग शार्प 6:45, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।